गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की सैलरीज की ना तीसरी क्लास है और आज की तीसरी क्लास में एजेंडा एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट पूरे सैलरी चैप्टर का सबसे बड़ा एजेंडा वो स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है परक्विजिट्स। क्या बोला मैंने? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को शॉर्ट में पर्क्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक एम्प्लॉयर हमेशा यही चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉई के लिए जितनी भी एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं वो क्रिएट कर दे ताकि एम्प्लॉई बिना किसी टेंशन के, बिना कोई पारिवारिक टेंशन के आराम से अपना काम अच्छी तरह से कर सके। मैंने पहले भी कहा था कि यू नीड एन एटीट्यूड करेक्शन। तुमको हमेशा ये सोचना है कि एम्प्लॉयर वॉन्ट्स टू गिव मोर टू द डिजर्विंग एम्प्लॉई। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा वातावरण क्रिएट करे, उनको अच्छी सुविधाएँ दे, तो वो फिर एकदम होता है ना कि बिना किसी चिंता के अच्छी तरह से अपना सारा डेडिकेशन के साथ काम कर सकेंगे। और कंपनी को तो काम चाहिए, जो जितना काम करेगा उसको ऑब्वियसली उतना बेनिफिट मिलेगा। तो ये परक्विजिट्स जो होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हैं, एम्प्लॉई के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हैं, उसको एकदम एक अच्छा जीवन प्रदान करते हैं। सर परक्विजिट्स में क्या क्या आता है? मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, मैं लिस्ट दिखा देता हूं तुमको, ठीक है। कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक शीट। हाँ, तो आज देखो हम लोग टॉपिक शीट में खड़े हैं, ये रहा टॉपिक नंबर 4 परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का सेक्शन नंबर क्या होता है? 17। इस पूरे चैप्टर में देखो है तो 3 ही सेक्शन। 15 नंबर सेक्शन चार्जेबिलिटी होगा क्योंकि वो पहला सेक्शन है सर। 16 नंबर सेक्शन डिडक्शंस को लेके था, ठीक है, कि सैलरी की कंपटीशन में क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं। 3 डिडक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बस यही। और 17 नंबर सेक्शन क्या? परक्विजिट। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं रूल 3। परक्विजिट में सेक्शन से भी ज़्यादा ज्ञान कहाँ लिखा हुआ है? रूल 3 के अंदर। सर क्या ये रूल नंबर हमको याद रखना है? देखो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आज पहली बार बता देता हूँ तुमको फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये चीज़ बोरिंग हो जाता है एक ही बात बार बार बोलना मेरे लिए। सेक्शन नंबर्स और रूल नंबर अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं रहेगा तो इसमें सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ज्ञान से मतलब है, ठीक है। अगर सेक्शन और रूल नंबर याद नहीं भी है तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर करो तो अच्छा है। एक होता है कि ना मास्टरी जो होती है ना वो इन सब चीज़ों से आती है। एक एवरेज पर्सन में और एक मास्टर में क्या होता है ना, छोटे छोटे चीज़ों का फ़र्क तुमको साफ दिखाई देता है। एवरेज पर्सन विल नॉट रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स और एनीथिंग, दे जस्ट नो द ज्ञान। मास्टर वो होता है जिसको सेक्शन नंबर, रूल, सब कुछ। तो इफ यू वॉन्ट टू मास्टर दिस सब्जेक्ट देन तो सेक्शन नंबर रूल नंबर याद रखो, लेकिन अगर नहीं भी रखोगे तो चलेगा। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं। इधर आते हैं, ये देखो परक्विजिट की पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने। हाउ मेनी परक्विजिट्स डू यू सी ऑन द बोर्ड सर? 11। 11 परक्विजिट्स। सॉरी, बड़े अच्छे, एक बार हल्का सा मैं डिस्कशन कर देता हूं तुमको, बेटर रहेगा, ठीक है। परक्विजिट्स, सबसे पहला परक्विजिट क्या है? यहीं से देख लो, मैं दिखा रहा हूं। रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अरे लिखना है ना, कितनी बार बोलूँगा मैं बोर्ड पे कुछ भी करूँगा, मतलब लिखना है क्या? अपने लिए थोड़ा लिख रहा हूँ, मतलब जैसे अलाउंसेस में होता है एचआरए, अलाउंसेस में क्या होता है एचआरए, यू नो द फुल फॉर्म। वैसे परक्विजिट में घर को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएफए, फुल फॉर्म रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। नाउ मैं थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। मैं तुमको सच बोल रहा हूँ, जब तुम जॉब करने निकलोगे ना, कमाना चालू, अभी तो क्या है कि माँ बाप हमारी परवरिश कर रहे होते हैं, हम लोग उसी फैमिली के अंदर पल रहे होते हैं, तो हमको कोई चिंता तो होती नहीं, हम तो सेल्फिश होते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अ स्टूडेंट इज़ द मोस्ट सेल्फिश पर्सन, वो माँ बाप का भी नहीं होता, उसको हर चीज़ में बस अपना फ़ायदा दिखता है कि मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को समय करना है, घर का काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है और ये प्रोसेस है, क्या करें, सब कोई ऐसे थे, मैं भी ऐसा था, सारे ऐसे होते हैं। पर जिस दिन तुम कमाने जाओगे ना, पैसा कमाने लग जाओगे, पढ़ाई से तुम्हारा नाता कटेगा, उस दिन वो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आने लगेंगी और तुम अपने आप ही चेंज हो जाओगे। देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ और मेरे को अपने घर में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पापा मम्मी कितने दिन तक करेंगे, तो तुम कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे। नाउ व्हेन यू गो फॉर अ जॉब ना, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तुम्हारे लिए होता है घर, कि मेरे को एक घर चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जॉब्स वगैरह जो होते हैं क्या है, एक डिफरेंट शहर में आपको मिलते हैं, तुमको घर चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा परक्विजिट अगर मुझसे पूछो कि जो मायने रखता है किसी एम्प्लॉय के लिए, तो वो घर है। पर मैक्सिमम कंपनियां घर नहीं दे पाती हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो आपको पैसा दे देती है, बोला आप अपना जुगाड़ करो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को घर देती हैं। गवर्नमेंट कंपनियां, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो घर मिलता ही है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में जनरली वो लोग घर देते नहीं है, केवल ऊँचे लेवल के एम्प्लॉयज़ को घर देते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल।
एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी, लिस्टेड कंपनी है आईटीसी, 100 साल पुरानी कंपनी आईटीसी, ठीक है, क्लासमेट, आशीर्वाद, बिंगो, सनफीस्ट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके, पर वो कमाती सिगरेट से ही है। आईटीसी कंपनी जो है ना, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो हेड ऑफिस है कलकत्ता, वहीं पर बगल में ही एक उन्होंने पूरी बिल्डिंग बना रखी है, मतलब वेरी टॉल बिल्डिंग, ठीक है। मैंने कभी काउंट तो ऐसे किया नहीं, पर कम से कम 20 से 25 तल्ले की बिल्डिंग होगी, बहुत ही ज़बरदस्त। उस बिल्डिंग का नाम है विक्टोरिया व्यू, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, तो उसी के नाम पर रख दिया, विक्टोरिया व्यू बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल के थोड़ा सा आगे जाते ही विक्टोरिया व्यू, वो बिल्डिंग इतनी मस्त है, मेरे को लगा मैं इसमें घर खरीदूंगा। तो जब मैं बात करने गया तो मेरे को पता चला ये बिल्डिंग आईटीसी का है, और केवल आईटीसी अपने एम्प्लॉयज़ को ही देता है, जो उसके टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो रेंट फ्री अकोमोडेशन के तहत देता है, तो ऑब्वियसली खरीद नहीं सकते। तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ भी अपने ऊँचे लेवल के एम्प्लॉयज़ को घर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। नाउ शब्दों को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे, ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फॉर्मूले वगैरह अंदर होते रहेंगे, अगर तुम कंसेप्ट समझ गए ना तो तुम्हारे लिए इमेजिन करना बहुत आसान हो जाएगा और पूरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। परक्विजिट इज अ बिग वन, इट विल गो आई थिंक फॉर 3 क्लासेस एटलीस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, परक्विजिट में तुमको मैं एक एक बात बताते जा रहा हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले एक नया शब्द सीख लो, हाइलाइटर। एकोमोडेशन, जहां पर तुम रहते हो ना, तुम्हारा जो बसेरा है उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन, ठीक है। मैं अपने ही घर में रहता हूं, मतलब मम्मी पापा के साथ जॉइंट फैमिली, तो वो मेरा घर है जहां मैं रहता हूं, एकोमोडेशन। सपोज तुम में से कोई स्टूडेंट है जो पीजी में रहता है, रहता है कोई क्या पीजी में, तो तुम्हारे लिए वही एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन मतलब जहां तुम अभी रह रहे हो, एकोमोडेशन का मतलब नॉट योर परमानेंट एड्रेस। तो अभी ये पीजी में रह रहा है तो वो क्या है? एकोमोडेशन। कोई हॉस्टल में रह रहा है, एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन मतलब जहां तुम अभी निवास कर रहे हो, योर टेम्पररी होम, ओके। अब सुनो एक बार, सपोज मैं यहां से दिल्ली गया, दिल्ली में मेरे को 2 दिन कोई सेमिनार लेना है, तो दिल्ली में तो मेरा कोई घर वर है नहीं, तो दिल्ली में मैं होटल में रुकूंगा, तो 2 दिन के लिए वो जो होटल का रूम है वही है मेरा बसेरा, एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये वर्ड समझ में आ रहा है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तो तुम्हारा बसेरा जहां तुम रह रहे हो, ठीक है ना। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब बॉस ने आपको घर दे दिया रहने के लिए, आपसे किराया भी नहीं ले रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। इट्स अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, ठीक है, इट्स अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। सरकार छोड़ने वाली नहीं है, सरकार बोलती है इनकम कैन बी इन कैश और काइंड। आई रिपीट, इनकम कैन बी इन कैश मतलब मनी और काइंड। तो आपको अगर पैसा नहीं मिला, उसके बदले कोई सुविधा मिली, तो वो भी तो इनकम है, तो उस पर भी तो हम इनकम टैक्स देंगे, तो सरकार इस घर पे भी इनकम टैक्स तुमसे लेगी। तो अब दिक्कत क्या है सर, कि परक्विजिट जो होते हैं ना मैक्सिमम, वो नॉन मॉनिटरी होते हैं। क्या होते हैं? मतलब आपको रहने के लिए घर मिला, तो अब अगर उस पर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है सरकार को, तो उसकी तो एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी रुपीस में, तभी तो आप उस पर इनकम टैक्स मल्टीप्लाई करके निकालोगे। तो इनकम टैक्स में ये जितने भी आप देखते हो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, इनका मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो रूल्स में दिया है, ठीक है। वो जो रूल 3 है ना, वो यही पिक्चर में आता है। रूल 3 हमें बताता है कि अगर आपको रहने के लिए घर मिला है, ठीक है, घर कुछ इसमें से सेक्शन 17 के अंदर दिए और कुछ रूल नंबर 3 के अंदर दिए, तो आपको अगर रहने के लिए घर मिला है तो उसकी मॉनिटरी कीमत हम कितनी मानेंगे, तभी तो हम उस पर टैक्स देंगे, वरना टैक्स कैसे लेंगे? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीस। बॉस हैज गिवन यू अ लग्जरियस होम टू यू एंड योर फैमिली टू लिव, सो दैट्स अ नॉन मॉनिटरी परपोज़िट, आई नो दैट, बट अनलेस एंड अंटिल यू कन्वर्ट इट इनटू अ रुपीस फिगर, मॉनिटरी फिगर, हाउ विल दे कैलकुलेट द टैक्स? तो उसका मॉनिटरी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सर क्या है फॉर्मूला? अभी मैं बता देता हूँ, बाद में तो डिटेल में जाएंगे, सम्स करेंगे, अभी बस बोल रहा हूँ 15% ऑफ सैलरी। क्या बोला मैंने? वेरी सिंपल, 15% ऑफ सैलरी। अच्छा, कल याद है बताया था सैलरी का मोस्ट ऑफ द जगह मतलब होता है B D1 C, यहाँ नहीं है। यहाँ 15% सैलरी में सैलरी का जो फॉर्मूला है थोड़ा लंबा है, BA BC DM। क्या बोला मैंने? BA BC DM। वो क्या होता है पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रख लो 15% ऑफ सैलरी। तो आपको अगर रहने के लिए बॉस ने घर दिया है, ठीक है, तो उस घर की मॉनिटरी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 15% ऑफ सैलरी निकालो और आउटर कॉलम में डाल दो,
तो जुड़ जाएगा वो तुम्हारे सैलरी इनकम में और फिर टैक्स ले लेगी सरकार, ये फंडा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि रहने के लिए मैंने तुमको घर, मैं एम्प्लॉयर हूँ तुम एम्प्लॉई हो, एक बार ऐसा कल्पना कर लो, ठीक है, तो रहने के लिए मैंने तुमको घर दिया, ठीक है, वो घर एक्चुअली बहुत अच्छा है, उसका कायदे से जो रेंट है वो 20,000 रुपये होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20,000 रुपये पर मंथ रेंट होना चाहिए, अगर वैसे ही तुम कहीं बाजार में लेते तो तुमको 20,000 रुपये पर मंथ लगता, लेकिन कंपनी ने तुमको कंसेशन दिया, कंपनी ने तुमको 75% कंसेशन दिया, कंपनी ने बोला कि तुम एक काम करो सिर्फ 5,000 रुपये दे दो पर मंथ, तो कहाँ 20,000 वैल्यू और कहाँ आपसे ले रहा है सिर्फ 5,000, पर आपसे कुछ ले तो रहा ही है ना। अब सच सच बताओ तुम्हारा मुनाफा कितना है 20,000 की 5,000 नहीं 20,000 की 5,000 की 15,000, 15,000 मुनाफा है, क्योंकि 5,000 तो मैं आपसे ले ही रहा हूं। तो सर फंडा सिंपल सा है, फर्स्ट आप निकालोगे 15% ऑफ सैलरी माइनस जितना भी रेंट कंपनी ने आपसे लिया है वो आप माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है वही मुनाफा है, वेरी सिंपल। पहले आप निकाल लो परक्विजिट वैल्यू कितना, 15% ऑफ सैलरी, निकाल लिया ना, अब जितना भी आपसे वसूला जा रहा है वो आप माइनस कर दो, तो निकल के आ जाएगा नेट परक्विजिट। आर वी ओके विद दिस? वेरी गुड। यार ये ऑब्लिक के बाद क्या लिखा है पढ़ दो, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, मतलब हो सकता है कि पूरा रेंट फ्री नहीं है, आपसे कुछ बहुत पैसा लिया जा रहा है, तो जो आपसे लिया जा रहा है वो माइनस कर देंगे। सी है कि नहीं, एकदम क्लियर जा रहा है ये? ये भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सोचो जब घुसेंगे तब तो कितना डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो खाली इंट्रो चल रहा है, इंट्रो लेवल पे तुम याद कर लोगे तो बेस्ट है। एक चीज़ जो मैंने महसूस की, नॉलेज को अगर अपने बातों बातों में कहानी की तरह याद कर लेते हैं ना तो वो आसान होता है, वो लंबे टाइम तक याद रहता है, और नॉलेज को अगर एकदम तुम सोचोगे किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ के करेंगे तो वो याद नहीं रहता है। तुम जस्ट इमेजिन करो, स्कूल में तुम सबों ने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं तुम्हारा तो नहीं जानता पर मैं अपनी बात करूँ तो स्कूल में टीचर ने एकदम नहीं पढ़ाया था ढंग से, स्कूल के जो टीचर्स थे विथ ऑल रिस्पेक्ट टू देम दे वर नॉट गुड टीचर्स, ठीक है, एकदम भी डेडिकेशन नाम का चीज नहीं, समझाने का कोई मतलब नहीं, खाली प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चलता था। काश वहीं पे सोचो अगर कोई टीचर होता जो खड़े खड़े पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहानी की तरह क्लास में बता दिया होता, याद हो जाता वहीं पे मेरे को, तो कहानी याद रहती है, बोली भी जो कहानी किस्से होते हैं वो याद रह जाते हैं, और ऐसे वो रीड मार मार के लाइन बाय लाइन वो इंग्लिश में वो याद नहीं रहता है। तो ये एक्चुअली मुझे एहसास हुआ था क्लास 10 में सबसे पहले, ये मैं तुमको किस्सा बताता हूँ। बायोलॉजी से मुझे बहुत डर लगता था, मतलब आई वॉज वेरी गुड इन साइंस, दैट इज़ वाई वेंट इन टू साइंस स्ट्रीम, बट मेरे को बायोलॉजी से ना जान निकलती थी क्योंकि बायोलॉजी में वो सम्स वम्स होते नहीं है, फिजिक्स सबसे मस्त होता है, सम्स केमिस्ट्री ठीक है ओके, मैथ्स सबसे अच्छा है सम्स, पर बायोलॉजी नॉट अच्छा, नॉट सम्स, ठीक है। अब स्कूल में बायोलॉजी की मेरी बैंड बजी हुई थी और हम लोग एकदम थरथरा गए थे, उस समय मुझे पता चला हम लोग पता नहीं किसी क्या मतलब ये किस्मत होता है संजोग होता है, डॉन बॉस्को एक स्कूल है, ठीक है, डॉन बॉस्को के अंदर एक टीचर थे, आई एम नॉट इन टच विथ हिम, क्लास 10 में पढ़ा उसके बाद आज तक मैं जानता नहीं, उनका नाम शंकर नारायण था या नारायण शंकर ऐसी कुछ था, ठीक है, ही वॉज आई थिंक अ साउथ इंडियन बिकॉज वो इंग्लिश में बोलते थे और उनका इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो साउथ वाला एक्सेंट था। उन्होंने कोई स्टूडेंट्स लोगों के ग्रुप ने बात किया होगा उनसे कि सर आप एक महीने का बायोलॉजी का क्रैश कोर्स ले लो, बस एक महीने का बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, टोटल आई थिंक 20 क्लासेस हुई होगी। तो हम लोग जाते हैं शाम को, वो रात को वो आदमी आता, एक घंटे तक वो सिर्फ बक 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 करता, कुछ नहीं, कोई किताब कॉपी पेन कुछ टच नहीं, ही वुड जस्ट कम 20 क्लासेस वन आवर और समथिंग, पूरी बायोलॉजी कहानी की तरह सुना दिया था, और ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश समझ में आने में कोई दिक्कत हो रही थी, ही वॉज थिंकिंग अ सिंपल इंडियन इंग्लिश, तो पूरा का पूरा उन्होंने बायोलॉजी कहानी की तरह एकदम सुना दिया, एक एक चैप्टर पूरा कहानी की तरह सारा बोल बोल के दर सुनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो गया बायोलॉजी, प्यार हो गया बायोलॉजी से, और डिसाइड कर लिया 11 में जाके डॉक्टर बनेंगे। वो तो गड़बड़ ये हो गया कि 11 में पहली क्लास में जब बायोलॉजी की हुई तो उसमें मेढक कटवा रहा था, तो फिर छोड़ दिया। पर ऐसा होता है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ नो स्टोरी टेलिंग, कि अगर स्टोरी की तरह पढ़ाया तो वो हार्ड सब्जेक्ट जो था वो भी एकदम ईजी लगने लग गया, एंड यू वॉन्टेड टू परस्यू इट फर्दर। तो तुम जितना इन सब चीज़ों को एकदम कहानी की तरह पढ़ के कर लोगे ना, उतना तुमको लॉन्ग टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में याद रहेगा। और अगर तुम सोचोगे अभी पढ़े ऐसे बुक से सम किए, वो आज पढ़ोगे कल
उड़नछू हो जाएगा और फिर फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं बहुत मस्त एक्चुअली, इतनी ये रोचक चीजें, बिकॉज ये तो लाइफ में जाएंगे तो कमाएंगे ना, और कमाई किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। घर के बाद, घर के बाद दो नंबर क्या चीज है, ये क्या मतलब है, घर से जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स। डोमेस्टिक मतलब घर होता है, तो डोमेस्टिक परक्विजिट मतलब घर से जुड़े हुए कुछ परक्विजिट। सर घर से जुड़ा हुआ परक्विजिट का एग्जांपल दो। अरे बिजली का बिल, कंपनी ने तुमको रहने के लिए घर दिया, बोला घर में जो बिजली का बिल है वो भी हम ही देंगे, वेरी गुड। अच्छा घर में जितना भी फर्नीचर है वो भी कंपनी दे रही है, वेरी गुड। मतलब पूरा एसी लगा हुआ है, सारा बनाया हुआ डिजाइन विजाइन, सोफा सेट वगैरह, बेड मचान सब उनका ही है, वरना सोचो तुमको खाली कमरा दे तुमको लाना पड़ता। तो कंपनी ने सारा फर्नीचिंग भी बना के दिया, सारा इंटीरियर भी कंपनी ने करके दिया है, तो ये हुआ डोमेस्टिक परक्विजिट। अच्छा आपको वहाँ पे एक हेल्पर, एक स्टाफ भी रख दिया है घर में, ताकि तुम्हारे घर का वो जो सन्ड्री काम होता है वो भी हो सके। ये तो बेस्ट कंपनी है, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक परक्विजिट्स। तीसरा नंबर क्या लिखा है सर, घर में जो वो सामान वगैरह रखवाया ना, फर्नीचर वगैरह, जैसे बेड्स चाहिए, मिरर चाहिए, ड्रेसिंग टेबल चाहिए। घर ऐसे थोड़ा ना तो चार दीवार मकान हम खड़े हैं ऐसे, घर में तो पूरा इंटीरियर्स होता है, तो वो इंटीरियर्स। चौथा, घर के बाद असली चीज जो जीवन में इंसान को चाहिए वो होती है गाड़ी, गाड़ी या बाइक, मतलब ट्रांसपोर्ट का साधन, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी अभी मैं जब आ रहा था अभी सेंटर, तो मैंने देखा एक कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए कोई लड़का होगा, बाइक स्कूटर होता है, स्कूटी चला के जा रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मुझे पता नहीं वो 18 का था कि नहीं, उसका लाइसेंस कहाँ से आया, आई डोंट नो दैट, बट स्कूटर चला के जा रहा है, बड़ा मज़ेदार सीन था, बिकॉज वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। और जो इतनी कम उम्र में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है ना, कि मैं अपने आप को खुद ही ले आ सकता हूँ, ला सकता हूँ, तो वो आगे जाके ना बड़े मजबूत बन जाते हैं, आगे वो कोई भी समस्या लाइफ में झेल सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड पर्सनालिटी ट्रेट कि इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइक और अ स्कूटर और एनीथिंग। तो अब कंपनी चौथे नंबर में आपको क्या दे रही है, मोटर कार या बाइक, एनी व्हीकल। ठीक है, तो ये भी तो एक नॉन मॉनेटरी परपोजिट है। कंपनी, सपोज तुमको गाड़ी चलाना आता है और कंपनी तुमको गाड़ी दे दिया, बोला कि आप अपने आने जाने के लिए, आपके लिए ये गाड़ी है, तो ये तो एक नॉन मॉनेटरी परपोजिट है, अपने को क्या निकालना पड़ेगा इसका, मॉनेटरी वैल्यू। नंबर पांच, मेडिकल फैसिलिटीज, यू नीड दैट, कंपनी इज प्रोवाइडिंग दैट। ठीक है, कि आप लोग का मेडिकल फैसिलिटी वगैरह करवा देंगे, सपोज कंपनी का किसी हॉस्पिटल से टाई अप है, किसी हॉस्पिटल से टाई अप है, तो आप या आपके परिवार वालों का इलाज आप उधर करवा सकते हो जाके, पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो कंपनी अपने आप बियर करेगी। छह नंबर क्या है, फ्री एजुकेशन फॉर यू और योर फैमिली मेंबर्स, कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोर्स करवा रहे हैं। सात नंबर, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब, फ्रिंज वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फ्रिंज वर्ड का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा, तो व्हेन आई से फ्रिंज बेनिफिट इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, एक समय था, आज सुन लो मेरे से, सरकार ने बीच में ना फ्रिंज बेनिफिट है, ये मैं याद नहीं कर रहा, फ्रिंज बेनिफिट में चार एग्जांपल होते हैं, उसमें से एक यही है, टी कॉफी स्नैक्स मील। एक समय था कई साल पहले, सरकार ने एक नया टैक्स निकाल दिया था, FBT, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ठीक है, उसको फिर बंद करके इसी में घुसा दिया, इसी में भी इंक्लूड है। तो आपको जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, जिम बना हुआ है कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी की पूरी बिल्डिंग है, ऊपर टेरेस पे उन्होंने जिम बना दिया ताकि एम्प्लॉई लोग, मतलब जब क्लास नहीं, जॉब खत्म हो दिन, तो ऊपर जाके जिम कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, काम भी कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, कंपनी में तुमको मील प्रोवाइड किया जा रहा है, गिफ्ट वाउचर मिल रहे हैं, सोडेक्सो पास मिल रहे हैं। सोडेक्सो का नाम सुना है, अच्छा मैं सुनवा दूंगा, बाद में लिखा दूंगा। ठीक है, सोडेक्सो पास वगैरह दिए, ये सब क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स। आपको कंपनी ने कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप करवा दिया, देर आर सर्टन क्लब्स नो, तो आपको कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप करवा दिया ताकि आप क्लब की फैसिलिटीज यूज कर सको, फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्या बोलो तुम मेरे को, एट का नाम तो सबको जानते हैं, एट क्या बोलो, ईसॉप फुल फॉर्म। आजकल ये बहुत फेमस हो गया कि कंपनी पैसा देने के बदले थोड़ा शेयर्स दे देता है। नंबर नाइन, लोन। देखो एक होता है एडवांस सैलरी, एक होता है लोन। एडवांस सैलरी छोटा अमाउंट होता है, एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है कि मेरे घर में अभी थोड़ा सा जरूरत आ गया, प्लीज़ मेरे को दो महीने का एडवांस सैलरी दे दो, दैट इज़ एडवांस सैलरी। लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट मांग रहे हो, कि इतना अमाउंट मांग रहे हो जो साल भर की सैलरी के बराबर है या दो साल की सैलरी के बराबर है, तो उसको लोन कहते हैं। कंपनियां नए एम्प्लॉयज़ को लोन जल्दी से देती नहीं है, पर कोई पुराना एम्प्लॉई है, काफ़ी समय से काम कर रहा है और कंपनी को मालूम है बंदा लॉयल है, टिका रहेगा, तो कंपनी लोन दे देती है और उस पर ब्याज भी नहीं लेती।
सोचो एम्प्लॉय बैंक से जाके लोन लेता तो ब्याज देना पड़ता, ब्याज इंटरेस्ट, पर कंपनी से लोन ले रहा है और कंपनी को मालूम है ये टिकेगा, अपने यहाँ अपना आदमी है, तो कंपनी लोन दे देती है और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लेती, तो आपका तो इंटरेस्ट का पैसा बच गया ना, आपके लिए तो वो फायदा है ना। और जहां कोई फायदा है गवर्नमेंट आ जाएगी, लाओ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट बचा ना तुम्हारा, सो वॉट एवर इंटरेस्ट यू हैव सेव्ड दैट इज योर परपोजिट, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना कंपनी से कुछ भी मिलेगा तुमको, इतना सभी कुछ भी, सरकार उसको भी छोड़ेगी नहीं, उसको भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, कुछ भी इतना सा भी अगर तुमको मिल रहा है कंपनी से, बोलेगा ये इनकम है जोड़ो इसको, इस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड है। 10 नंबर और 11 नंबर वो घूमने फिरने को लेकर है। एक अच्छी लाइफस्टाइल का इंडिकेटर होता है वेकेशंस, यू नो वेकेशंस, लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं। हालांकि मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ बट मुझे वेकेशंस पसंद नहीं है, मुझे एकदम पसंद है सिंपल, यहीं आओ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एकदम बेस्ट है। पर फिर भी ऐसा, हम लोग तो समाज में रहते हैं तो समाज जो बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा ना, तो वेकेशंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड लाइफ। वेकेशन मतलब आप अपने फैमिली को लेके बाहर जा रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो, तो कंपनी खर्चा दे रही है आने जाने का, होटल का वगैरह वगैरह वगैरह, तो दैट्स अ परपोजिट फॉर यू, वो है 10-11 नंबर में। ठीक है, अब 4 नंबर परक्विजिट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब अपन लोग अंदर घुसेंगे और डिटेल में घुस घुस के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, बात करें, बहुत सारी बातें मैंने पहले ही तुमको बता दी हैं, वो सब लिखी भी मिलेंगी, तो जो भी मैं बोला हूँ सब राइटिंग में, तुम्हारे से खोने वाला नहीं है। परक्विजिट्स पॉइंट नंबर 1, एक बार पढ़ो, 1 और 2 पढ़ो। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब सुविधा, आपको घर दिया, गाड़ी दिया, मेडिकल फैसिलिटी दिया, तो वो एक सुविधा है, तो इनको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नॉन मॉनिटरी परक्विजिट की मॉनिटरी वैल्यू निकालना, उसे हम कहते हैं परक्विजिट वैल्यू। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? परक्विजिट वैल्यू। ये बड़ा काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। ठीक है, जिस दिन में कभी नौकरी में जाओगे 4 साल बाद, मतलब नॉट आर्टिकल शिप, वहाँ तो परक्विजिट छोड़ो, वहाँ ठेंगा भी नहीं मिलता, मतलब जब काम करने जाओगे जीवन में, तब ये चैप्टर पढ़ के जाना, ताकि पता रहे कि पैकेज में क्या देने वाला, नहीं देने वाला है सब कुछ। अरे मतलब टाइम्स हैव चेंज्ड। परक्विजिट वैल्यू, व्हाट इज परक्विजिट वैल्यू? A monetary value of the facility calculated as per IT rules which we will add in your salary computation. That's a perquisite value. अच्छा, इतना लंबा थोड़ा लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, PV क्या लिखेंगे? Okay. मैं अभी तुरंत तो ये साबित नहीं कर पाऊंगा, पर 3 क्लासेस में आने, मतलब आज कल परसों में, ये तुम साबित कर, मतलब तुम देख लोगे कि परक्विजिट्स आर एक्चुअली मोर बेनिफिशियल देन अलाउंसेस। मतलब इन मैक्सिमम केसेस तुम पाओगे कि ओवरऑल अगर हम बात करें, हो सकता है कि इक्के दुक्के केस में अलाउंस बेटर है, पर इन जनरल अगर तुम हमसे बात करोगे तो मैं बोलूंगा परक्विजिट्स आर बेटर देन अलाउंसेस। अब मैं यहां पे एक बार फुल स्टॉप लगाऊंगा और तुम लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, सुनो मेरी बात को। कल हमने अलाउंसेस का टॉपिक पढ़ा, अलाउंसेस के टॉपिक में हमने कई जगहों पर एग्जेम्पशंस देखे। देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस। फर्स्ट कैटेगरी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, जहां कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सेकंड कैटेगरी वाज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड, एंड थर्ड वाज फुली एग्जेम्प्टेड। फुली एग्जेम्प्टेड बकवास है, वो जज वज को मिलता है, अपने जैसे को मिलने वाला है नहीं। तो कुछ अलाउंसेस थे जिनमें पार्शियल एग्जेम्पशन था, ठीक है,
तो जब अलाउंसेस की टॉपिक एक स्टूडेंट पढ़ता है तो इनडायरेक्टली उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं ये घुस जाता है कि ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे अलाउंस बोलो, चाहे परक्विजिट बोलो, चाहे जो भी बोलो, इसमें कुछ एग्जेम्पशन सिखाएगा। इसमें क्या सिखाएगा? एग्जेम्पशन, कि कौन सा वाला एग्जेम्पशन है, कौन सा वाला टैक्सेबल है। ये जब आप परक्विजिट पढ़ते हो, प्लीज डोंट लुक फॉर एग्जेम्पशंस। अलाउंसेस वाली टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम अलाउंसेस पढ़ते हैं, तो हमारा जो केंद्र बिंदु होता है ध्यान, वो एग्जेम्पशन पर होता है। हमारा सारा फोकस, कल मैं बोल रहा था कि फोकस किस पे करना है, एग्जेम्पशन पे। तो जब तुम अलाउंसेस पढ़ते हो, यू फोकस ऑन एग्जेम्पशंस। बट व्हेन यू आर स्टडिंग परक्विजिट, प्लीज प्लीज ब्लडी डोंट फोकस ऑन एग्जेम्पशन। बिकॉज सर, परक्विजिट्स में, वो जो 11 परक्विजिट लिस्ट था, उसमें बहुत ही कम जगहों पर एग्जेम्पशन है। मैक्सिमम जगह एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम जगह एग्जेम्पशन नहीं है। जो अभी 11 नाम वहां पढ़ाए थे ना, वही ये बगल वाले पेज में नीचे लिखा हुआ होगा। ये देखो सर, मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूँ, आई एम करेक्टिंग योर एटीट्यूड। यू हैव टू करेक्ट योर एटीट्यूड व्हेन यू आर लर्निंग अ टॉपिक। सही एटीट्यूड से कोई चीज पढ़ोगे, सही समझ में आएगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है? सही एटीट्यूड नहीं है खाली एग्जाम के लिए पढ़ के बस निकलोगे, तो वो पढ़ोगे और फिर भूल जाओगे। मैं बहुत तड़पा हूँ इस चीज को लेके। 2010 में व्हेन आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 11 में, तो 2011 में वहां चला गया था KPMG, मुझे कोई टैक्स याद ही नहीं था, कुछ टैक्स याद नहीं। इंटर का, फाइनल का, जो इतना हम लोग पढ़ते हैं बैठ के, DT, IDT, कुछ भी याद नहीं। बिकॉज पढ़ा वैसे ही गया, रीडिंग सम, रीडिंग सम, मतलब नो रियल फीलिंग, नो स्टोरी, नथिंग, नो एग्जाम्पल, वो भूल गए एकदम पूरा का पूरा साफ। और अब KPMG में तुम जा रहे हो, जो कि एक CA फर्म है, जहाँ ऑडिट का वहां तो टैक्स चाहिए, तो हर बार बैठ के सर्च करके पढ़ना पड़ रहा है और बहुत दिक्कत हो गई थी। तो तुमको ये समझना पड़ेगा, ये तुमको आगे तक लाइफ में काम आने वाला है। यू कांट ड्रॉप इट ओवर हियर। बाकी सब्जेक्ट्स है ना अपने सिलेबस में, फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स यू कैन ड्रॉप। तुम एग्जाम दे दिए, पास हो गए, बस अब तुम उसको छोड़ सकते हो, आने वाला नहीं है फ्यूचर में। जो इतना ज़्यादा तुम कोई भी सब्जेक्ट को दे रहे होगे, जैसे अकाउंट्स की बात कर लो वगैरह, कॉस्ट की, वो नहीं आता उतने काम में। बिकॉज जो हमें किताब में अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है, और जो सॉफ्टवेयर में जाके अकाउंट्स करोगे, जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान का। सॉफ्टवेयर में जो अकाउंट्स है, उसके लिए 11-12 की नॉलेज काफी है, उसके लिए मेरे को ये सब नॉलेज नहीं चाहिए जो अभी सीखेंगे हम, ठीक है? पर ये ज्ञान, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, ये छोड़ने वाला पीछा नहीं है। तो इसको जितना अंदर तक अच्छे से याद कर लोगे कि नेचुरल निकले तुमसे, उतना बेस्ट है, ठीक है? वरना फिर फायदा नहीं है। यू विल बिकम अ डॉक्टर जिसके पास डिग्री तो है पर दवाई नहीं पता, वैसा हो जाएगा। ये सारे परपजेस में मैं आपको बता देता हूँ, तुम्हारा एटीट्यूड एग्जेम्पशन का नहीं होना चाहिए। डोंट लुक फॉर एग्जेम्पशंस, बिकॉज देर आर वेरी वेरी फ्यू एग्जेम्पशंस इन परपजेट्स। तो सर ठीक है, ये तो बता दिया कि कहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए, तो ये बताओ कहाँ ध्यान होना चाहिए। PV, PV का फुल फॉर्म, क्योंकि सर मैक्सिमम परपजेस कौन से वाले हैं? नॉन मॉनिटरी, तो आपको तो उसका मॉनिटरी वैल्यू निकालना है। तो यहां पे आपका फोकस होना चाहिए, हाउ डू आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर परक्विजिट। तो यहां आपका फोकस एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए, यहां फोकस होना चाहिए PV, परक्विजिट वैल्यू, ठीक है? अब थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं। परक्विजिट वैल्यू जब मैं अंदर पढ़ाना चालू करूंगा, तुम लोग को कई जगह ऐसा एहसास होगा, जो अच्छे वाले परक्विजिट है, जो महंगे वाले परक्विजिट है, यार ये चाय कॉफी कोई बड़ा परक्विजिट नहीं है, मत दो, मैं अपने खरीद लूंगा, ठीक है? असली बड़ा महंगा परक्विजिट कौन सा है? घर, गाड़ी, मेडिकल, ये सब बड़ा बड़ा परक्विजिट है। और जब तुम परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मूला सीखोगे ना, तुमको शौक लगेगा कि इनका फॉर्मूला ऐसा है कि उसकी वैल्यू बहुत कम निकल के आएगी। वो जो वैल्यू है बहुत कम निकल के आएगी, मतलब एक्चुअली में तुमको खुद मालूम है कि यार इस परक्विजिट का कीमत तो ज्यादा होता है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन इन्होंने जो बना रखा फॉर्मूला, उससे वैल्यू कम निकल के आएगी। तो तुम्हारे सैलरी में वो लोग कम अमाउंट जोड़ेंगे और अल्टीमेटली कम टैक्स लेंगे। जस्ट इमेजिन, आज तुमको मालूम है प्रॉपर्टी का रेट्स कितना ज्यादा है, एक अच्छे इलाके में जहां पे ऑफिसेज है, वहां पर अगर तुमको बगल में घर लेना हो, महीने का 50,000 रुपया रेंट भी, मैं बता रहा हूँ कमी है, महीने का 50,000 रेंट, महीने का 50,000 रेंट, अगर साल का कितना हुआ 6 लाख, है ना? तो कंपनी अगर आपको एक ऑफिस के बगल में एक बढ़िया इलाके में रहने के लिए घर दे रही है, मैं तुमको बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, तुम अगर एक 3 BHK फ्लैट भी कमर्शियल एरिया में कहीं पे लोगे ना, ऊपर नीचे भाव तोल करके भी, तो भी महीने का 50,000 रेंट आएगा 3 BHK परिवार के लिए, तो लोगो ना, यू अंडरस्टैंड, 3 BHK, 3 बेडरूम हॉल किचन, 3 BHK, ठीक है? तो 50,000 महीने का रेंट आएगा, साल का कितना हुआ 6 लाख। लेकिन अभी अभी मैंने क्या सिखाया, घर अगर वो आपको दे रहे हैं तो उसकी परक्विजिट वैल्यू कितनी निकलेगी, 15% सैलरी। नाउ लेट अस से कि तुम्हारा सैलरी महीने का 1 लाख रुपया है, तो साल का सैलरी कितना है,
12 लाख का 15% बोलो बोलो यार, 1 लाख 80 हजार आएगा शायद भाई। डिब्बा कहाँ है? हाँ 180, 1,80,000। अब सोचो तुम जानते हो कि उस घर की एक्चुअली मार्केट वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तुम खुद लेने जाते अगर रेंट पे तो 6 लाख लगता, पर यहाँ पे कितना निकाला गया? 2 लाख। एक बार 2 लाख बोलूँ मैं, 2 लाख तो एक तिहाई। तो आपसे सरकार 6 लाख पे टैक्स दे रही कि 2 लाख पे? फिर बताओ मेरे को। तो एग्जेम्पशन नहीं दिया, पर उसके बदले कितना बड़ा बेनिफिट दे दिया, खुद सोचो तुम जरा। कल जब एचआरए पढ़ा रहा था तो एचआरए का फॉर्मूला बोलो एग्जेम्पशन का। मैं बता रहा हूँ एचआरए का फॉर्मूला क्या था। एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या था, 50% ऑफ सैलरी। ये खुद बोल रहे हैं कि घर की कीमत ऑलमोस्ट 50% ऑफ सैलरी होती है रेंट की, ले रहे थे ना। और यहां तुमसे जब परक्विजिट निकालने की बात हो रही है तो 50% ऑफ सैलरी नहीं, 15% ऑफ सैलरी, 15%। तो इनडायरेक्टली तुमको कितना बड़ा एग्जेम्पशन मिला है? एग्जेम्पशन दिया नहीं, पर इनडायरेक्टली तो मिल गया ना, क्योंकि वैल्यू अपने आप ही कम निकल के आ रहा है। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा गाड़ी में भी होगा, गाड़ी के खर्चे बहुत हाथी होते हैं। अगर तुम कभी गाड़ी खरीदोगे लाइफ में, आई एम टेलिंग यू, मतलब गाड़ी खरीदना इस हाथी पालने के बराबर। गाड़ी में खाली एक बार ये नहीं किया इनिशियल पैसा खर्चा किया ले लिया, गाड़ी के जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, एक तो पेट्रोल है, फ्यूल कॉस्ट, प्लस अगर ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर का तो अलग ही एक, मतलब हाथी के साथ और एक छोटा हाथी आ गया, ठीक है, मतलब बहुत महंगा होता है। फिर अगर तुम गाड़ी में ना आए दिन कुछ ना कुछ ठुकता ठाकता लगेगा, तो मतलब 12 महीने में जो मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, क्लीनिंग ये वो इना देना, बहुत ज़्यादा होता है। पर जब तुमको अंदर में पढ़ाऊंगा मैं, तुमको हंसी आएगी, इतना कम वैल्यू बोल रखा है इन्होंने, इतना कम वैल्यू। मतलब कंपनी ने आपको सपोज एक महंगी गाड़ी पकड़ाई आने जाने के लिए, उसका परक्विजिट वैल्यू तुम अगर रियल मार्केट वैल्यू निकालोगे कि इसके यूज का वैल्यू इतना, तो बहुत ज़्यादा आएगा, और इनके बताए हुए फॉर्मूला से निकालोगे इतना सा आएगा, इतना सा। तो अल्टीमेटली आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक्चुअल फायदा आपको इतना मिल रहा है उस परक्विजिट का, लेकिन टैक्स कंपटीशन में सिर्फ इतना सा आ रहा है। तो अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप पेइंग लोअर टैक्स और नॉट। सो परक्विजिट्स आर एक्चुअली मोर बेनिफिशियल देन अलाउंसेस। आर वी गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो मैंने अभी बोला वही अभी मैंने 3 और 4 में लिख के दिया है, ठीक है, ऊपर। अच्छा, परक्विजिट्स 2 प्रकार के होते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। सर मॉनिटरी परक्विजिट को अपने क्या कहते हैं? रिइंबर्समेंट। और नॉन मॉनिटरी को क्या कहते हैं? फैसिलिटी, है ना। ज्यादातर वो नॉन मॉनिटरी होते हैं, थोड़े बहुत कोई होते हैं जो रिइंबर्समेंट होते हैं, ठीक है। याद रखना, बॉस मतलब एम्प्लॉयर, वो अगर आपके लिए कुछ भी दे रहा है वो आपके में ऐड होगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो। सपोज ही इज एन एम्प्लॉई एंड द कंपनी ने इसको सैलरी दिया, अलावेंस दिया, परक्विजिट दिया, सब दिया। इसके अलावा इसकी सैलरी पे जो इनकम टैक्स आता है ना कैलकुलेट करके, कंपनी बोली जाओ तुम्हारा इनकम टैक्स भी हम ही दे देंगे। कंपनी ने क्या बोला कि जाओ तुम्हारा जो इनकम टैक्स आएगा सैलरी का वो भी हम ही दे देंगे। तो आपको कुछ मिल रहा है ना, तो ये भी ऐड हो जाएगा फिर सैलरी में। अगर आपकी कंपनी ने आपके लिए इनकम टैक्स दिया तो ये भी आपकी इनकम में ऐड होगा, बिकॉज आपको कुछ मिला है ना। सपोज मान लो तुम्हारा एनुअल इनकम टैक्स आता है 50,000 रुपीज़, तुम्हारा एनुअल इनकम टैक्स कितना आता है 50,000 रुपीज़। बॉस ने बुला के बोला कि बेटा जा तेरा 50,000 भी कंपनी देगी, तो 50,000 भी तो इनकम हो गया ना, यस और नो? नहीं तो तुम अपने जेब से निकालते तो तुमको मिल गया तो इनकम है। गवर्नमेंट वाली ये भी जोड़ो तो ये 50,000 भी तुम्हारी सैलरी में जोड़ेंगे। अब यहां पे चालू हो जाएगा एलजेब्रा एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अभी तुम्हारी सपोज एक सैलरी थी, उस पर टैक्स निकला 50,000, और तुम्हारा बॉस बोला हम दे रहे हैं 50,000, तो गवर्नमेंट बोला फिर से कैलकुलेट करो, ये 50,000 जोड़ दिया जाएगा फिर से सैलरी में, फिर एक अमाउंट आएगा, फिर टैक्स निकल के आएगा लेटर से 55,000। बॉस बोला ठीक है हम 55 दे रहे हैं। बॉस बोला गवर्नमेंट फिर आ जाएगी, अच्छा 55 दे रहेगा, फिर से कैलकुलेट करो, फिर 50 के बदले 55 जोड़ो, फिर निकालोगे, फिर आएगा सपोज 58,000। तो ये तो एलजेब्रा चल रहा है ना, इन्फिनिटी वाला। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा भी हो सकता है कि योर बॉस इज पेइंग टैक्सेस ऑन योर बिहाफ, दैट इटसेल्फ विल बी एडेड टू योर कंप्यूटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो एलजेब्रा वाली समस्या आई ना कि सर वो डालेगा फिर ऐड करो फिर बढ़ जाएगा, फिर डालेगा फिर ऐड फिर बढ़ जाएगा, इसका इन्होंने निवारण कर रखा है। इसका इन्होंने क्या कर रखा है? एक निवारण कर रखा है, एक सॉल्यूशन है इसका, बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है। आई विल टेल यू, अभी बता देता हूं, एडवांस में बहुत मस्त रहेगा।
जनरली कंपनी आपके लिए फुल इनकम टैक्स नहीं देती है, कंपनी एक अलग तरह का इनकम टैक्स आपके लिए देती है, वो क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिगर्स थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट सब लिखा हुआ बाद में। मान लो कि मैं एम्प्लॉयर, मैं तुमको सैलरी दे रहा हूँ, तो तुम्हारे सैलरी में दो हिस्से हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी तुमको मैं महीने का दे रहा हूँ 50,000, साल का बोलो 6,00,000 यार, है ना। महीने का मैं मॉनिटरी मतलब मनी डाल रहा हूँ तुम्हारे बैंक में, कितना 50,000, तो साल का 6,00,000 हो गया। इसके अलावा मैं तुमको 6,00,000 रुपए का नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे रहा हूँ साल का, मतलब तुमको टोटल मैं 12,00,000 दे रहा हूँ, 6,00,000 मॉनिटरी और 6,00,000 नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। तो मोस्ट हम लोग कभी भी फुल इनकम टैक्स पे नहीं करते एम्प्लॉय का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम्हारे नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो इनकम टैक्स आएगा वो हम दे रहे हैं, मॉनिटरी का तुम खुद दे लो, तुम्हारे नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो इनकम टैक्स आ रहा है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब लेट अस से कि तुम्हारा ये जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है 6,00,000, इस पे जो इनकम टैक्स निकल के आ रहा है, लेट अस से इट इज 40,000 रुपीज, तो आपको अल्टीमेटली हम कितना दे रहे हैं, 12,40,000, है ना। 6,00,000 मॉनिटरी, फिर 6,00,000 नॉन मॉनिटरी, फिर उस नॉन मॉनिटरी पे जो टैक्स आया, पूरा इनकम टैक्स नहीं सिर्फ नॉन मॉनिटरी पे जो टैक्स आया वो आया 40,000, तो वो भी हम ही दे रहे हैं, तो 12,40 हो गया। अब सरकार जानती है कि हाँ एलजेब्रा का लफड़ा हो जाएगा कि 40,000 फिर जोड़ो फिर निकालो फिर जोड़ो फिर निकालो, तो बढ़ते जाएगा ना ये गरीब में। तो गवर्नमेंट ने एक फंडा निकाला, बोला अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय के नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पर टैक्स दे रही है 40,000, तो ये 40,000 एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है। क्या है 40,000 तुम्हारे लिए, मतलब ये एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है, इट्स एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। इफ द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय, दैट इटसेल्फ इज अ परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय, बट इट्स एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। तो उस 40,000 पे तुमको टैक्स नहीं देना, मुझको देना पड़ेगा। उस 40,000 पे तुमसे टैक्स नहीं लेगा, किससे लेगा, मुझसे लेगा। मैं बोला टैक्स पे टैक्स, बोला हाँ, क्योंकि ये 40,000 जो तुम उसको दे रहे हो ये उसकी कमाई है, पर उसकी कमाई पे हम उससे टैक्स नहीं ले रहे क्योंकि अलजेब्रा हो जाएगा, तो तुम इस पे टैक्स दे दो। तो उस 40,000 पे भी मुझको टैक्स देना पड़ेगा। सर कैसे देना पड़ेगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। मैं कौन, कंपनी, ठीक है, मैं कैसे दूंगा, सुनो। ऑब्वियसली कंपनी का जो हेड ऑफ इनकम होता है वो सैलरीज नहीं होता, वो तो पीजीबीपी होता है। ये समझते हो कि नहीं समझते हो, कंपनी का हेड ऑफ इनकम कौन सा है, सैलरीज है कि पीजीबीपी है, पीजीबीपी है। तो पीजीबीपी के लिए तो पीएल अकाउंट बनेगा कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह। तो मेरा जो पीएल अकाउंट बनेगा उसमें मैं अपना सेल्स और रेवेन्यू लिखता हूँ, और इधर मैं एक्सपेंसेस लिखता हूँ। अपने एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चा मैं करूँगा वो एक्सपेंस है कि नहीं है, तो वो तो एक्सपेंस होना चाहिए, और माइनस करके जो आएगा वही प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट पर तो मुझे टैक्स देना चाहिए। तो मैं तुम्हारा जब यहाँ पे एक्सपेंस लिखूंगा ना 12,40,000, वो लोग बोलेंगे मुझे 40,000 मिटाओ, मतलब मैं यहां अपने पीएल में डेबिट कितना कर पाऊंगा, 12,40 की 12, सिर्फ 12,00,000। तो मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली 40,000 से बढ़ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। कायदे से मैंने तुम्हारे लिए स्पेंड कितना किया है, 12.4, सो आई शुड पुट एक्सपेंस 12.4 एंड देन माई प्रॉफिट विल गो डाउन बाई 12.4, है ना। बट ये लोग बोलेंगे नहीं, वो 40,000 हमने उससे छोड़ दिया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, तो तुमसे लेंगे। कैसे लेंगे, कि पीएल में आप 12,00,000 ही माइनस कर पाओगे, 40,000 माइनस नहीं होगा, तो आपकी प्रॉफिट अल्टीमेटली 40 से बढ़ गई। तो प्रॉफिट अगर 40 बढ़ गई तो 40 पे तो मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा ना, तो इस 40 पे तुम टैक्स नहीं दिए पर मेरे से टैक्स वसूल कर लिया। कनेक्शन देख रहे हो, सैलरी हेड और पीजीबीपी हेड का। ये बात मैं तुमको आज सैलरी चैप्टर के अंदर भी पढ़ा रहा हूँ, और फ्यूचर में जब मैं पीजीबी में जाऊँगा वहाँ पे भी ये बात आएगा कि अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए नॉन मॉनिटरी परपोजिट पर टैक्स दिया है तो उसका उसको पीजीबीपी में डिडक्शन मतलब माइनस करने नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है पर मेरे लिए टैक्सेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो भाई मैंने ये टीचर्स नोट में डाल दिया है कि तुम्हारे लिए कुछ भी खर्चा करेंगे वो तुम्हारे लिए क्या है, परक्विजिट, ठीक है। अब नीचे आओ, हाइलाइटर, ठीक है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, एक बार मुझे कुछ दिखाना है।
जो मैं बोलूंगा वो खाली पढ़ना एक बार, नंबर ए पढ़ो तो। हाँ पढ़ो। अरे हेलो, नंबर ए पहला पॉइंट, प्लीज सब कोई एक साथ जोर से पढ़ो, इसमें तुम लोग का आवाज जाता ही नहीं है। हाँ अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, ठीक है मैं ही पढ़ देता हूँ। तो तुम्हारे लिए वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। बी पढ़ो, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परपोजेट is not allowed as deduction to the employer while calculating the PGBP income of the employer. मतलब वो बेचारा तुम्हारे नॉन मॉनिटरी परपोजिट पे जो टैक्स दे रहा है 40,000 रुपया, उस 40,000 रुपये तुम्हारे लिए तो एग्जेम्प्ट है पर उसके लिए टैक्सेबल है। अच्छा एक बात सुनो, एग्जेम्पशन का मदर सेक्शन कौन है? 10 10। तो तुम्हारे लिए अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो सेक्शन 10 में कहीं लिखा होगा ना, कहाँ लिखा है? सेक्शन 10 क्लॉज 10CC, ठीक है। नंबर याद करना है क्या? नहीं, ये याद नहीं करना, ये मैं सच बोलो याद नहीं करना है ये वाला। जहाँ याद करना होता है मैं स्टार करा दिया करूँगा, ठीक है। डन है क्या सर ये? ओके ऊपर आ जाओ, अब आओ इस पर वापस। ये हरे रंग में क्या लिखा है? Perquisites are taxable only if availed by employee. क्या मतलब है इसका, मैं समझा रहा हूँ। जैसे तुमने, मैं कंपनी हूँ, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, एंड यू आर एम्प्लॉई। तुमने मेरे यहाँ ज्वाइन किया 1 अप्रैल को, मतलब मान लेते एक बार एग्जैक्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में 1 अप्रैल को तुमने मेरे यहाँ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते मैंने तुमको एक घर दे दिया, ठीक है। मैंने तुमको एक घर अलॉट कर दिया कि तुम चाहो तो अपने परिवार के साथ घर में रह सकते हो। तो तुमने बोला नहीं सर घर नहीं चाहिए, अभी तो अपना घर है। तो तुम ठीक है, कोई बात नहीं। 6 महीने बाद तुम आए वापस और बोले सर वो चाबी दे दो ना। मैं बोला अभी क्या हो गया अचानक? बोला सर अभी वो शादी का प्लान है तो अब तो एक घर चाहिएगा। तो आई गेव यू द कीज एंड यू स्टार्टेड यूजिंग इट। क्या पहले 6 महीने में आपने घर का इस्तेमाल किया है, चाबियाँ ली है मुझसे? नहीं ना। तो पहले 6 महीने उसका परक्विजिट वैल्यू नहीं होगा, 0। क्या बात के 6 महीने में आपने चाबी लेके गए हो मुझसे? हाँ चाबी लेके रहो मत रहो उसमें जो वो तुम्हारा मर्जी है, पर तुम मेरे से तो ले लिए ना। तो नाउ यू हैव अवेल्ड इट, अब 6 महीने का परक्विजिट निकलेगा, ठीक है। तो आप अगर परक्विजिट यूज करोगे लोगे तब आपका परक्विजिट है, वरना परक्विजिट नहीं है। समझ रहे हो बात को? अच्छा कैलकुलेशन कैसे होगा सर? अरे वेरी सिंपल, परक्विजिट ऑफ घर कितना होता है? 15% सैलरी। नॉर्मली हम सैलरी फॉर 12 मंथ्स देते हैं, पर अगर आप उस घर का वो प्रयोग कर रहे हो खाली 6 महीने के लिए तो 15% सैलरी में हम सैलरी 12 महीने का लेंगे कि 6 महीने का? तो अपने आप ही आधा हो गया कि नहीं हो गया? 15% का 7.5 मत कर देना, मतलब फॉर्मूला ये मैथ्स की क्लास नहीं है कि यहाँ से डिवाइड बाई 2 करूँ या वहाँ से करूँ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है। तुम अगर 15 काट के 7.5 कर दिए तो वो वहाँ पे नंबर काट देगा तुम्हारा। कैसे करोगे? 15% ऑफ 6 महीने की सैलरी, तो वो तो अपने आप ही आधा हो गया। बात समझ में आ रहा है? सपोज मान लो तुमने पूरे 12 महीने में सिर्फ 2 ही महीने घर की चाबी ली थी, तो 2 महीने का सैलरी इनटू 15%। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो चीज है ना, ये मैं बाद में सम्स में कराऊंगा आज, वो क्लियर हो जाएगा। लिख लो अच्छा रहेगा। सॉरी
कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है सबको? ये हो गया, हटा दूं? अब एक मजाक होने जा रहा है जो इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है। इनकम टैक्स वालों ने पता नहीं क्या ये लोग खा पी रहे थे, इन्होंने फिर से कुछ कांड कर दिया। और तुम पढ़ के बोलोगे सर ये मत ही पढ़ाओ तो अच्छा, पर क्या करें, सिलेबस में है, पढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि देखो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, सस्ते एम्प्लॉय, महंगे एम्प्लॉय। ठीक है, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, सस्ते एम्प्लॉय, महंगे एम्प्लॉय। तो ये महंगा एम्प्लॉय कौन होता है सर बताओ? इन्होंने बोला महंगा एम्प्लॉय मतलब कंपनी का डायरेक्टर। यस, कंपनी का डायरेक्ट, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा पगार मिलती है तो महंगा एम्प्लॉय है। ठीक है, वो बंदा जो कंपनी के अंदर 20% शेयर्स होल्ड करता है वो एम्प्लॉय है। तो मतलब वो भी कोई ऊंचे पोजीशन पे होगा। कंपनी का सब्सटैंशियल शेयर होल्डर जो कंपनी के 20% शेयर होल्ड करता है वो कंपनी का एम्प्लॉय है, तो ऊंचे पोजीशन पे होगा, तो वो भी महंगा एम्प्लॉय में मान लिया। तो इन्होंने बोला महंगे एम्प्लॉय का तीन मतलब होता है। नंबर वन, या तो वो डायरेक्टर है या फिर उस एम्प्लॉय के पास कंपनी के 20% शेयर है, तो पार्टली मालिक है, ये भी चलो ये मैं मान लिया। तीसरी बात जो इन्होंने बोली ना, एकदम चुप गई यहाँ पे, बोला वो एम्प्लॉय जिसको साल का, पूरे साल का 50,000 रुपया मनी मिलता है वो भी महंगा एम्प्लॉय। पूरे साल का 50,000 मतलब महीने का कितना हुआ, 4,500, 4,000 समथिंग, नो है ना, 4,000 रुपया महीने का दूंगा तो साल का 48,000 आएगा, तो मैथ्स लगा लो थोड़ा सा ज्यादा। तो मतलब साल महीने का 4,000-5,000 रुपया कमाने वाला, उसको भी अगर आप महंगा बोल रहे हो तो फिर सस्ता कौन है? मतलब लगता है कि 1961 में इन्होंने बनाया था ये, उसके बाद कभी देखने का इनको मौका मिला नहीं। देखो 1961 में तो 50,000 साल का यानी महीने का 4,000-5,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होगा 1961 में, मान लिया। आज तो नहीं है सर, आज मिनिमम वेजेस, आई थिंक मैंने तुम लोग के बैच में बोला, आई डोंट नो, एक कानून है हिंदुस्तान में मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसके अनुसार आपको दिन का 300 रुपया और महीने का 8,000 रुपया कम से कम देना पड़ेगा, ये तो मिनिमम है। और इनके हिसाब से साल का अगर 50,000 रुपया दे रहे हैं, मतलब महीने का 4,000 समथिंग दे रहे हैं, तो वो महंगा एम्प्लॉय हो गया। तो अब ये है बदतमीजी। ठीक है, पर अब क्या बोलें, ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कानून में लिखा हुआ है। इस पे वो लोग ना गंदा सा एक सड़ा हुआ एमसीक्यू बना के दे सकते हैं, पर चांसेस कम है। ठीक है, कौन होता है महंगा एम्प्लॉय? पहला दो तो आई कैन डाइजेस्ट, द थर्ड वन तो हिज इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सक्लूडिंग द नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स इज 50,000 पर एनम, पर मंथ बोलता तो सोचते, पर एनम। हर एम्प्लॉय जो तुम जीवन में देखोगे वो स्पेसिफाइड ही है। साल का 50,000 मतलब महीने का तुम्हारा 4,000 समथिंग आएगा, तो जो भी एम्प्लॉई तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरेगा सबके सब क्या है, महंगे एम्प्लॉयज ही हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ही हैं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं। इन्होंने बोला देखिए सर तीन प्रकार के परक्विजिट है, कितने, तीन, मतलब टैक्सेबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। नंबर वन, परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मतलब कुछ परक्विजिट्स ऐसे हैं जो सिर्फ महंगे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, सस्ते एम्प्लॉयज को हमने छोड़ दिया, उनके लिए वो टैक्सेबल है ही नहीं। तो ये थोड़ा गड़बड़ है, बिकॉज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का जो आप लोगों ने नीचे डेफिनेशन बना रखा है उसमें प्रेटी मच 100% ऑफ द एम्प्लॉयज आ गए हैं। इंडिया में जितने भी एम्प्लॉय आपको लेने ले लो, हाँ इनका आवाज नहीं आ रहा, ठीक है, ये नीचे जो पार्टी कर रहे हैं नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है। क्या बोल रहा था मैं भूल गया, मतलब ऑल द एम्प्लॉयज आर स्पेसिफाइड, यू कैन फील दैट। सो इन्होंने बोला दीज परक्विजिट्स, इसका एक लिस्ट है, आई विल शो इट टू यू, दीज परक्विजिट्स आउट ऑफ द 11 आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ठीक है सर, सेकेंड वाला क्या लिखा है, परक्विजिट्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज। मैंने तुमको ये एक एग्जाम्पल दिया था, टेलीफोन परक्विजिट, मोबाइल टेलीफोन, अगर मैं अलावेंस बोल के दूं तो फुल्ली टैक्सेबल, पर
लेकिन अगर टेलीफोन में मोबाइल फोन तुमको मैं परक्विजिट बोल के दूं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो यही वाला इसी में आएगा, परक्विजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या है, परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे सस्ता एम्प्लॉय हो चाहे महंगा एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल, ठीक है। डन नहीं है, अभी नीचे आ जाओ। नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट आर द परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर द महंगा एम्प्लॉयज, आई वॉन्ट टू नो दैट। तो इन्होंने 11 में से 7 चुन के बताया है, 11 में से 7। पहला कौन सा है देखो, लिखो स्टाफ, मतलब आपको घर पर एक स्टाफ दिया है उन्होंने घर के काम करने के लिए। देखो भाई, घर के काम करने के लिए अपने को स्टाफ चाहिए कि नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। अभी तो जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तुम अपना सारा काम खुद ही करते हो, या तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारे पेरेंट्स संभालते हैं, या अगर तुम्हारे घर में कोई स्टाफ है तो वो। लेकिन कभी तो तुम ऐसा होगा जब अकेले जाके रहोगे, जॉब वॉब करोगे, तब तो सारा काम खुद करना पड़ेगा। और यू विल कीप सम स्टाफ, तो कंपनी ने आपको स्टाफ दे दिया, क्या नाम है पढ़ो तो, इतना लंबा कौन याद रखे, स्टाफ, कंपनी ने आपको एक स्टाफ प्रोवाइड कर दिया है, तो ये एक परक्विजिट है कि नहीं है। ये परक्विजिट किसके लिए टैक्सेबल है, महंगे एम्प्लॉय के लिए। ये परक्विजिट किसके लिए टैक्सेबल है, अगर एम्प्लॉय सस्ता एम्प्लॉय है तो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। कॉमेडी की बात तो ये है सर, वो सस्ता एम्प्लॉय को ऐसा परक्विजिट मिलेगा क्या कि वो खुद ही हेल्पर होगा। तो फिर ये जो इन्होंने डायलॉग मार दिया, इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या, जिसके महीने का 3000 रुपया तनख्वाह हो, तो जिस एम्प्लॉय की महीने की 3000 रुपया तनख्वाह है आप उसको स्टाफ भी देते हो रहने यूज करने के लिए, क्यों खुद ही स्टाफ होगा, ये तो मतलब अजीब बात है ना, मतलब ये इनका कॉमेडी चल रहा है लगी। दूसरा एजुकेशन परक्विजिट, तीसरा वही घर से जुड़ा हुआ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, इनको डोमेस्टिक परक्विजिट भी कहते हैं, ठीक है। मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, जीव सुना है ना, JEW, जीव एक रिलीजन होता है वैसे, गीव गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ठीक है। इसको ऐसे बोला जाता है डोमेस्टिक परक्विजिट। चौथा मोटर कार, पांचवा व्हीकल अदर देन मोटर कार, तो क्या ट्रक देगा क्या, या तो मोटर कार देगा या बाइक देगा ना, और कौन सा व्हीकल, ऑटो ऑटो वो सब तो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं, हम लोग आपके पर्सनल यूज के लिए जो व्हीकल देंगे वो तो बाइक या कार में से कुछ हो सकता है ना। लीव ट्रैवल कंसेशन, इसको LTC बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीव एंड ट्रैवल कंसेशन, वो घूमने फिरने का, मतलब बाहर जा रहे हो परिवार के साथ। सात नंबर क्या है, मेडिकल। तो ये सात परक्विजिट जो है ये सिर्फ किसके हाथ में टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अभी थोड़ा सा केयरफुल होना, मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा केयरफुल। ये सात परक्विजिट जो इन्होंने अभी बोले, ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर आप ये नॉन मॉनिटरी फॉर्म में देते हो, किस फॉर्म में, नॉन मॉनिटरी मतलब एज अ फैसिलिटी, देन इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, सस्ते एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप ये सात परक्विजिट मॉनिटरी फॉर्म में देते हो, मतलब रीइंबर्समेंट, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, वेदर महंगा और सस्ता। मतलब अगर ये सात सुविधाएं मॉनिटरी फॉर्म में दे दो, मतलब पैसा दे दो, तब तो फिर हम लोग सस्ते एम्प्लॉय को भी नहीं छोड़ेंगे, सबसे टैक्स देंगे, ठीक है। अगर ये सात सुविधाएं फैसिलिटी की तरह मिल रही है नॉन मॉनिटरी, देन इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर महंगा एम्प्लॉयज, बट इफ इट इज गिवन इन मनी फॉर्म, तो मनी तो कैसे भी मिलेगा, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। राइट डाउन ब्लू कलर, लेट्स गो टू दैट पेज।
चलें सर उधर, ये आ गया 1.29 पर। नाम देखो तो क्या ऊपर, वही तो ग्यू, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। कायदे से इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। यस, अब देखो एक क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि ये दो एम्प्लॉयज हैं, दोनों के दोनों सस्ते एम्प्लॉयज हैं, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। दिख रहे तो हु आर नॉट, तो दोनों सस्ते एम्प्लॉयज हैं। इनको अगर आप बिजली पानी गैस की सुविधा दोगे, हेलो मेरी बात को सुनना, ये दोनों के दोनों क्या हैं सर, सस्ते एम्प्लॉयज हैं, है ना। हमको क्वेश्चन में लिख के बोला ऑरेंज कलर में, ये दिख रहा है यहाँ पे नीचे, हु आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब सस्ते एम्प्लॉयज। एक बार देखो, ये स्पेसिफाइड नॉट स्पेसिफाइड बोलने से ना फील नहीं होता, बिकॉज इंग्लिश में कंफ्यूज जाता है, स्पेसिफाइड नॉट स्पेसिफाइड, सीधा बोलना सस्ता महंगा याद रहता है। तो दोनों सस्ते एम्प्लॉयज हैं। नाउ अभी उधर मत पढ़ो, खाली तो सुनो, सस्ते एम्प्लॉयज को अगर हम वो 7% देते हैं एज अ फैसिलिटी तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एज अ मनी रीइंबर्समेंट तो टैक्सेबल है। ठीक है, ये क्लियर है। इनको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दिया जा रहा है, विच इज अ इन द लिस्ट ऑफ द 7 पॉइंट्स, वो 7 पॉइंट की लिस्ट में था, बिजली पानी ये सब। तो अगर इनको बिजली पानी, स्टाफ, एजुकेशन, मेडिकल, जो भी वहां लिखा था, बिजली पानी स्टाफ वगैरह, अगर वो उनको फैसिलिटी की तरह मिल रहा है तब तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर आप पैसा दे रहे हो रीइंबर्समेंट तो टैक्सेबल होगा। अब ध्यान से सुनो, एक्स और वाई दोनों को स्टाफ मिले हैं, ये मजाक ही है, एक्स और वाई दोनों खुद सस्ते एम्प्लॉयज हैं और दोनों को क्या मिला है, स्टाफ मिला है। एक्स को स्टाफ की तरह मिला है, मतलब कि आप फैसिलिटी की तरह ले लो। ठीक है, पढ़ो नंबर वन, उनको एक स्टाफ मिला है एज अ फैसिलिटी, उसके घर पे दे दिया एक स्टाफ। ठीक है, वो स्टाफ कितना पैसा लेता है, 500 रुपया पर मंथ। तो और कंपनी डायरेक्टली पेमेंट करती है, कंपनी डायरेक्टली पेमेंट करती है, तो एक्स को तो डायरेक्टली स्टाफ मिला है, मतलब नॉन मॉनिटरी सुविधा की तरह, तो एग्जेम्प्ट है। तो ये 500 रुपया ये पर मंथ यानी कि 6,000 रुपया ऐड नहीं होगा। वाई वाले केस में पढ़ो, वाई ने अपने घर में एक रख रखा है सर्वेंट। ठीक है, वाई ने अपने घर में एक सर्वेंट रख रखा है, 500 रुपया पर महीना लेता है, अमाउंट वही है, पर यहां कंपनी ने स्टाफ नहीं दिया है, वाई ने खुद रखा है, कंपनी उसको रीइंबर्समेंट का मतलब क्या हो गया, मॉनेटरी परपजिट। तो अगर मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है तो देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, इवन द सस्ता एम्प्लॉय, तो वाई के लिए ठीक है, ये क्लियर है। ये वाला पूरा जो डिस्कशन हुआ है अपना, गरीब एंड महंगा एम्प्लॉयज, ये सिर्फ पढ़ाई की दुनिया में जब तक हो, मतलब इंटर में हो तब तक ये काम आएगा, उसके बाद ये जीवन में काम आने वाला नहीं। बिकॉज यू नो दैट सर, सारे के सारे एम्प्लॉय जो घूम रहे हैं सब महंगे ही हैं सब, क्योंकि इनका तो बेंचमार्क ही एकदम नीचे है, 50,000 रुपया पर एनम, तो सारे ही महंगे हैं। ठीक है, तो सारे परक्विजिट सबके लिए ही टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक मजाक है भद्दा सा, पर ये तुमको अपने सिलेबस में तो पढ़ के जाना पड़ेगा, कल को वो लोग इस पर तुमको टटोल लिए तो। ठीक है ना, क्लियर है। जैसा कि अभी वो बोला, 50,000 तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल जाता है ना, वही। तो ये बस इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये वाली भद्दी बात याद रखना, बाकी कोई काम आने वाला नहीं है। बैक टू दैट पेज,
ओके नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. आई वॉन्ट टू नो विच परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्टेड. हमको तो एग्जेम्पशन ही ढूंढते रहते हैं ना, मन तो वही चाहता है भले कितना ही बोल लो. तो यहाँ इन्होंने बोला था तीन परक्विजिट हैं. पहले वाले जो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तीसरा वाला टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, बीच वाला एग्जेम्प्ट फॉर तो दिस तो आई वॉन्ट टू नो. ऐसा कौन सा परक्विजिट है सर जो एग्जेम्प्ट होता है बताओ, है ना. एक तो मैंने बता दिया टेलीफोन, अभी तीन चार आएंगे देखना, बड़ा मस्त है. अच्छा है, सबसे पहला कौन सा है सर? कंपनी ने आपको फोन दिया यूज करने के लिए, चाहे आप उससे ऑफिस का काम बात करो या घर का बात करो, जो भी करो, वेदर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज, इट इज एग्जेम्प्टेड. बेस्ट बेस्ट है, फोन तो देना ही पड़ता है यार काम करने के लिए. ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ओके बाकी तीन को एक साथ करो. इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार का होता है. अगर कंपनी आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है तो वो टैक्सेबल है, पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा अगर कंपनी कोई और इंश्योरेंस ले रही है तो वो एग्जेम्प्ट होता है. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, क्या बोला मैंने? हेल्थ इंश्योरेंस. तुम लोगों को पता है लाइफ इंश्योरेंस समझते हो, नाम समझ गया कि मर गया तो पैसा आएगा. हेल्थ इंश्योरेंस का क्या समझते हो? मेडिकल. सर अगर हॉस्पिटलाइज हो गए तो पैसा मिलेगा. जैसे मेरे अभी तीन इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है. एक मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और एक है मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी. तो गाड़ी का इंश्योरेंस तो जनरल इंश्योरेंस है. अब आते हैं लाइफ और हेल्थ पे. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मरूंगा तो परिवार वालों को पैसा मिलेगा. हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर साल भर के दौरान मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, कोई बड़ा बिल विल आया खर्चा, तो वो कंपनी दे देगा. तो इन्होंने क्या बोला, आपकी कंपनी आपके लिए, यूर एम्प्लॉय आपके लिए इंश्योरेंस का पॉलिसी ले रही है, तो अच्छी बात है कि नहीं है? प्रीमियम का पैसा कंपनी दे रही है, आपके लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो आपके लिए दे रही है तो वो टैक्सेबल है, वो आपके में हम ऐड कर देंगे. लेकिन अगर बाकी कोई इंश्योरेंस है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, स्टाफ ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस हो गया, तो वो सब एग्जेम्प्टेड है. एग्जेम्प्टेड कौन सा है? मेडिकल, एक्सीडेंट, ग्रुप स्टाफ. अरे मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब एग्जेम्प्ट है. और लाइफ इंश्योरेंस क्या है? टैक्सेबल. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज टैक्सेबल. ये याद रखना, बहुत काम आएगा सम्स में, पढ़ा रहा हूँ आज, काम आएगा 6 क्लास के बाद. ठीक है, याद रखना थोड़ा. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है कंपनी ने आपके लिए, टैक्सेबल. मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, एग्जेम्प्ट. एक्सीडेंट इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट. स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट. ठीक है ना, खाली लाइफ इंश्योरेंस है तो टैक्सेबल. सेकेंड पॉइंट, ट्रेनिंग कोर्स. एजुकेशन नहीं, नो 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 नो, एजुकेशन नहीं लिखा है. क्या लिखा है? ये क्या होता है सुनो, मैं तुमको पूरा पर्सनल एग्जांपल दूंगा एकदम आराम से. मेरे केपीएमजी की जो सबसे सुंदर यादें हैं, हसीन यादें, वो यही वाली है. ठीक है, क्या हुआ था, आई वॉज पोस्टेड इन केपीएमजी चेन्नई. ठीक है, तो वो लोग क्या हुआ कि मुझे याद नहीं कौन से मंथ की बात है, आई डोंट रिमेंबर द मंथ, बट बीच में एक बार कभी हुआ था, आफ्टर 5-6 months और समथिंग, 6 महीने के बाद ही हुआ था, 6 महीने के बाद हुआ था, और मेरे रेजिग्नेशन के पहले की बात है. रिजाइन कर दो तो भेजते ही नहीं. उन्होंने केपीएमजी बैंगलोर में, कहाँ पर, एक तो बैंगलोर शहर मुझे बड़ा मस्त लगता है, एकदम सुहाना मौसम, हमेशा कूल, हमेशा वह रिमझिम बारिश होती है, पूरा कूल एटमोसफियर. तो उन्होंने केपीएमजी बैंगलोर के अंदर जितने भी ऑल इंडिया में केपीएमजी के नए एम्प्लॉयज हैं सबके लिए ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज कराया था, 9 दिन का, मतलब 9 days एकदम मस्त जीवन चल रहा है. ठीक है,
तो अब पूरा 5 स्टार होटल सर, मतलब वो कोर्सेज जो हुए थे 5 स्टार होटल में हुए थे, हम लोग रह कहाँ रहे थे, 5 स्टार होटल में भी, ठीक है। तो मैंने उस दौरान कम से कम 3 5 स्टार होटल में अलग अलग रुका था, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एक ताज था, बाकी दो का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 9 दिन के लिए उन्होंने ट्रेनिंग करवाया था सबका, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग है, इट वॉज नॉट एजुकेशन, मेरे को कोई डिग्री मिल गया क्या? एजुकेशन तो मैं लेके घुसा था, सीए की डिग्री, एजुकेशन नहीं कराया, क्या कराया? ट्रेनिंग, जो वहाँ काम में, मतलब केपीएमजी काम में यूज़ होता है, वैसा ट्रेनिंग कराया था। तो ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह एम्प्लॉय के लिए तो फायदेमंद है, पर क्या ये कंपनी मेरे फायदे के लिए करा रही है कि अपने फायदे के लिए? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाएगा तो एम्प्लॉय बढ़िया काम करेगा, तो ये एम्प्लॉय का फायदा है कि कंपनी का फायदा है? एम्प्लॉय का फायदा नहीं है ना, तो इट्स एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, इट्स एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, क्लियर है? नेक्स्ट सुनो, उधर छोड़ो, इधर सुनो। सपोज मान लो कि केपीएमजी अगर मुझे एमबीए करने के लिए बाहर भेजती, 1 साल का एमबीए, जिसके लिए कॉस्ट होगा 25 लाख रुपया, कंपनी ने बोला कि तुम जाओ, तुम ना बाहर एमबीए करके आओ 1 साल के लिए, 1 साल तक तुमको हम लोग सैलरी भी देते रहेंगे, तुम काम पे भी मत आना, और हम तुमको एमबीए करने का वो जो पूरा कॉस्ट है वो भी दे देंगे, पर फिर आके बाद में तुम 5 साल तक हमारे यहाँ काम करना, वैसा एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर तुमको वो लोग बाहर भेज रहे हैं एमबीए के लिए, बॉस एमबीए इज नॉट अ ट्रेनिंग कोर्स, एमबीए इज बकायदा डिग्री, एजुकेशन, तो वो एजुकेशन परक्विजिट है, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। ट्रेनिंग कोर्सेज छोटे होते हैं, कम पीरियड के होते हैं, ऑन द जॉब काम आते हैं, सस्ते होते हैं, वो पर्सनली उससे तुम्हारा कोई बेनिफिट वैसे डायरेक्टली नहीं, वो कंपनी ने अपने लिए कराया है, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। अब ऑब्वियसली ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रेनिंग से मेरा कोई फायदा हुआ ही नहीं, मेरा थोड़ा फायदा तो हुआ ही, कोई नई चीज मैं सीखा हूं ना, अरे कोई भी नई चीज अगर आप तुम मेरे को सिखाओगे तो वो मेरे लिए तो कैसे ना कैसे काम आएगी, बट ट्रेनिंग कोर्सेज को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। माइंड यू, एजुकेशन इज नॉट एग्जेम्प्टेड, ये क्या है? ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स, दैट्स एग्जेम्प्टेड, क्लियर है। बड़ी कंपनियों की ये निशानी होती है कि वो ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। जैसे मैं तुमको बता देता हूँ, अगर तुमको आर्टिकलशिप बिग 4 में मिल गया, जैसे कल तुम क्वालिफाई, ये इंटर क्वालिफाई किए एंड तुमको आर्टिकलशिप पीडब्ल्यूसी डेलॉयट केपीएमजी EY में मिल गया, तो ये सब जो बड़े फर्म्स होते हैं ना, अभी बहुत सारे बड़े फर्म्स हैं, टॉप 10 फर्म्स हैं बहुत सारे, खाली बिग 4 ही नहीं है, इनमें जब तुम आर्टिकलशिप करने जाओगे तो ऑलमोस्ट हर सैटरडे को ये लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कराएंगे तुमको, कोई भी चीज़ का, कभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दिया, कभी ये इनकम टैक्स का कुछ करा दिया, कभी ये एटिकेट ट्रेनिंग करा दिया, पर्सनालिटी ग्रूमिंग करा दिया, एक्सेल का ट्रेनिंग, कोई भी एक ट्रेनिंग वो लोग कराएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अच्छी बात ही है ना, तो ट्रेनिंग कोर्सेज आर व्हाट एग्जेम्प्टेड फॉर यू, दे आर नोन एज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, क्लियर है अपना, ठीक है सर। थर्ड, वो जिम याद है क्या? ट्रेनिंग कोर्स में अगर तुमको एग्जाम्पल लिखना है तुम लिख लो, और जिम वाली जो फैसिलिटी है वो मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी, जब मैं चेन्नई में रह रहा था तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड था, वो काम करता था सिटी बैंक में, हम लोग एक ही घर में रहते थे, आई वॉज इन KPMG, ही वॉज इन सिटी बैंक, तो सिटी बैंक के अंदर खुद का उन्होंने एक फ्लोर जिम बना रखा था, ठीक है। तो उसकी वो आदत थी कि वो ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जिम में जाके कसरत करता था, तो ये जो जिम वाली फैसिलिटी है ओन्ड बाई द कंपनी एंड प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज, चाहे आप यूज करो मत करो, इट इज एन एग्जेम्प्टेड परपजिट, ठीक है, ये क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, कंपनी का खुद का है जिम पूरा, और वो आपको यूज करने सबको दे रहा है, मतलब ये नहीं कि किसी एम्प्लॉय को, सबके लिए है, तो आप यूज करो मत करो। अभी देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब इंसान को कोई चीज नहीं मिलता तो उसको क्रेज होता है, जब मिल जाता है तो क्रेज खत्म। तो अभी कई जनों का मन होता है जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे बिस्कुट निकलेगा, ठीक है, 6 पैक, लेकिन जब मिल जाएगा ना छोड़ना यार, काम करते हैं ना, पैसा कमाते हैं ना, वो सब बदल जाता है, ठीक है, इट्स लाइफ, ओके। तो अगर कंपनी सबके लिए जिम खोल रखा है, अभी आप यूज करो चाहे मत करो, आपकी मर्जी है, इट्स एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट।
अब एक बार थोड़ा याद कर लेते हैं, हाउ मेनी एग्जेम्प्टेड पर्पसेस आर देयर, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. सबसे पहले टेलीफोन, दूसरा ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेनिंग कोर्स, स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ फैसिलिटीज ओन्ड बाय द कंपनी, लास्ट वाला टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परपजेट. ठीक, ये सब क्या एग्जेम्प्टेड का लिस्ट है. अच्छा, थर्ड कैटेगरी क्या है, परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, तो वो साथ को छोड़ के बाकी जितने भी है सबके लिए टैक्सेबल है ना, तो भाई उसमें कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं, एक लाइन का है वो. एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ परपजेस, 11 पॉइंट्स. ये तो मैं पहले डिस्कस कर दिया तुम्हारे साथ, 11 पॉइंट्स का पूरा लिस्ट. डन है कि नहीं है, डन करो. टीचर्स नोट, किस चीज के ऊपर है ये, परक्विजिट्स में आपका फोकस एग्जेम्पशन पे रहेगा कि पीवी पे रहेगा. मैंने पीवी पे जितना भी ज्ञान तुमको दिया है सब पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में लिख के डाल रखा है, दिख रहा है बोर्ड पे. तो रीड नहीं करना, वो मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी. एक नया चीज तुमको पढ़ाने जा रहा हूं, गौर से देखना. इनकम टैक्स में तीन प्रकार के शब्द आएंगे, इन तीनों का मतलब मैं थोड़ा थोड़ा अभी बता रहा हूँ, बाकी तो बाद में आएगा. फैमिली अलग होता है, रिलेटिव अलग होता है, मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड अलग होता है. लिखा पढ़ी हो गया सर, मैं बता रहा हूँ जितना सजा कर एकदम एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, उतना ना किसी किताब में मिलने वाला है ना किसी लेक्चर में मिलने वाला है. पूरा सजा के मैं सब कुछ तुमको बताते जाऊंगा. बहुत सारी बातें जो तुमको मैं अभी बातों बातों में बता दिया, ये लोगों को चैप्टर खत्म होने के बाद भी नहीं पता होता, ये जो अपने अभी पूरा बातचीत करते हुए जा रहे हैं. तो वही है, अगर तुम कहानी की तरफ पढ़ोगे ना एकदम लॉन्ग टाइम याद रहेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा. सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर फैमिली क्या होता है, उधर मत ताको. तुम्हारे हिसाब से फैमिली का मतलब क्या है, मैं बोलने जा रहा हूँ कुछ. क्या तुम्हारे मौसा जी तुम्हारी फैमिली है? सर फैमिली का मतलब थोड़ा क्लोज, माँ बाप भाई बहन वो वैसा होता है, करेक्ट. क्या तुम्हारे मौसा जी तुम्हारे रिलेटिव है? हाँ सर रिलेटिव है. फैमिली मत बोलो, मतलब फैमिली वर्ड इज यूज फॉर वेरी क्लोज ग्रुप. एंड बाकी जो हमारे लंबे चौड़े रिश्ते होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव. अब इन्होंने एक तीसरा नाम और पैदा कर दिया, क्या लिखा है देखो, मेंबर ऑफ. ये क्या है सर, मैं बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनो. आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 9 पीपल, मेरा फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है. सेम हाउस, 9 लोग हैं हम लोग, 3 9 लोग मतलब लगे, अरे बाप रे बाप, 3 तो उसमें से इतने इतने से हैं, ठीक है. तो एक्चुअली 6 बड़े एंड 3 छोटे, तो दैट्स अ फैमिली. लेकिन सर अगर तुम पूछोगे कि सर आपके हाउस होल्ड में कितने मेंबर्स हैं, तो मैं बोलूंगा 11. हाउस होल्ड में कितने हैं? 11 भी नहीं, 13 मेंबर्स है. सर कैसे? इन्होंने बोला आपके घर में जो सर्वेंट्स रहते हैं ना, उनको भी आप काउंट करोगे नॉट इन फैमिली बट इन मेंबर ऑफ हाउस होल्ड. मेरे घर के सदस्य की तरह हैं कि नहीं वो? जैसे हमारे घर में ऑब्वियसली 3 बच्चे हैं, तो उनकी जो होता है ना नैनी वगैरह लोग, वो घर में रह रही हैं, ठीक है. फिर घर का जो काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प वो है, तो 4 तो वो हैं जिसमें से 2 फुल टाइम है और 2 पार्ट टाइम है, ठीक है. तो 9 + 4 कितना हो गया? 13. तो फैमिली है 9, पर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कितना है? 13. ये मेंबर ऑफ हाउस होल्ड वर्ड कहां डिस्क्राइब्ड है? रूल नंबर 3 में ऊपर.
कई जगहों पे परक्विजिट्स में बताया हुआ रहेगा कि ये परक्विजिट चाहे एम्प्लॉय को मिले या उसके हाउसहोल्ड के किसी घर के किसी सदस्य को मिले वो काउंट होगा। तो घर के सदस्य, हाउसहोल्ड, मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड का मतलब है घर के सदस्य, कि जिस घर में आप रह रहे हो आपके जितने भी सदस्य उनमें कौन कौन आएगा। सर नंबर ए क्या लिखा है? स्पाउस तो आएगा, स्पाउस, स्पाउस तो आएगा। नंबर बी क्या है? चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, बच्चे और उनकी जो भी वाइफ वगैरह वो भी। सी क्या लिखा है? पेरेंट्स, वो भी सही है। सर डी क्या लिखा है? सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, वो भी आ जाएंगे। सर्वेंट्स तो आप समझ गए, आपके घर में जो भी स्टाफ है घर का काम वगैरह कर रहा है वो आएगा ही। और डिपेंडेंट्स कौन होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। डिपेंडेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भले ही आपकी फैमिली नहीं हो पर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे जो ताऊ जी और ताईमा हैं, ठीक है, मतलब मेरे पापा के बड़े भाई समझे, ताऊ ताई, ताऊ जी और ताईमा, वो उनको मैंने एक अलग घर दिलवा रखा है। ठीक है, मेरा अपना ये पूरा 9 जन इधर और एक घर अलग से उनको दिलवा रखा है, बिकॉज ताऊजी ताईमा को हम लोग ही संभालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी तो जो मेरी मतलब कजिन बहन उनकी बेटी वो तो गई मैरिज होके, तो वो हमारे बगल में ही रहते हैं, उनको मैं ही संभाल रहा हूँ। तो दो दे आर ताऊजी एंड ताईमा, दे आर नॉट टेक्निकली फैमिली का डिफरेंस, दे आर रिलेटिव बट दे आर नॉट फैमिली, दे आर रिलेटिव बट दे आर नॉट फैमिली, दे आर ऑल्सो फॉर मी मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, बिकॉज डिपेंडेंट है कि नहीं फाइनेंशियली हम पे, हम ही लोग संभालते हैं, तो वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का डेफिनेशन है काफी बड़ा है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। 9 लोगों का फैमिली था उसको 15 बना दिया सीधा, 9 + 4 + 2 15 हो गया ना मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड। क्लियर है? ये मेंबर ऑफ हाउस होल्ड टॉपिक कहाँ पर आएगा? परक्विजिट चैप्टर में आएगा, इसी के अंदर, यहीं पर, और ये सब आगे जाके आते जाएगा। मैं एक बार शो करना चाहता हूँ, फैमिली में जाओ, पेज नंबर दिख रहा है, फैमिली में कौन आएगा देखो। अब देखो कैसे इन्होंने मेरे 9 लोगों की फैमिली को छोटा कर दिया, अभी मैं दिखाऊंगा। इनके हिसाब से फैमिली में 9 भी नहीं आएंगे और कम। हेलो, ठीक है, फैमिली का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 5 में। ठीक है, फैमिली में कौन कौन आएगा? येलो कलर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उधर ब्रैकेट में क्या लिखा है? चाहे वो मुझ पर इकोनॉमिकली डिपेंड करते हो या नहीं हो, तो मेरी फैमिली की बात हो रही है इधर, मेरी, तो मेरी फैमिली में कौन आएगा? स्पाउस, माय वाइफ एंड माय 2 बेबीज। ठीक है, वेदर डिपेंडेंट और नॉट उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो पक्का आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल फैमिली, फर्स्ट लेवल फैमिली। एक सेकंड, थोड़ा सा ना तुम लोग को अभी एक नया चीज़ सिखाना जरूरी है, क्योंकि तुम लोग में से कई जन को बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं और विकास, भाई है मेरा सग्गा भाई, सग्गा भाई, ठीक है ना, तो अभी क्या हुआ, एक बार मैं और विकास हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, पार्क स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट है बारबेक्यू, बड़ा बदमाश रेस्टोरेंट है। ठीक है, उसमें 3 अलग अलग कुछ खोपचे बनाए हुए, यहाँ से घुसो यहाँ से, तो हम लोग ऊपर गए। ठीक है, उन्होंने देखते पूछा, आर यू विथ फैमिली? तो बोला हाँ फैमिली ब्रदर। ठीक है, पर पता नहीं क्या हुआ, भेज दिया आगे, बोला यहाँ नहीं आगे। फिर उस सेकंड वाले में गए, बोला आर यू फैमिली? हम बोला हाँ ब्रदर। फिर तीसरे में जाओ, फिर ऐसे करते थे, बाहर ही निकल गए, मेरे को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है ये। ठीक है,
एक्चुअली फैमिली का मतलब होता है कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। हम लोग अभी फैमिली सोचते हैं मतलब मम्मी पापा, वैसे भाई बहन। एक्चुअली फैमिली का मतलब क्या होता है? कपल। यू रिमेंबर आई टॉट यू HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ मैरिड हिंदू कपल। मैं और विकास मिलकर HUF चालू नहीं कर सकते, ठीक है। HUF चालू करने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ चाहिए। तो फैमिली का कानूनी तौर पे एक्चुअली मतलब होता है कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए येलो वाले को बोलते हैं फर्स्ट लेवल फैमिली, ठीक है। यू डोंट हैव इट सो यू डोंट नो दिस, मतलब यू डोंट हैव अ फीलिंग फॉर इट, बट एक्चुअली सही मायनों में फैमिली का मतलब होता है स्पाउस एंड बेबीज, दैट इज योर फर्स्ट लेवल फैमिली, ठीक है। क्योंकि वही लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ अभी लाइफ में रहेगा, और जो लाइफ के पहले 20-25 साल होते हैं उसमें पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर वो डोमिनेट करते हैं, उनको कहते हैं सेकेंड लेवल फैमिली। तो ब्लू कलर में फैमिली कौन है? देखो, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ज्यादातर हमारे लाइफ में ज्यादा समय रहते हैं पहले 20-25 साल में, फिर बाद में लेकिन स्पाउस एंड चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वाली जो फैमिली है ना, उसको काउंट तब करेंगे जब, ब्रैकेट में क्या लिखा है पूरा पढ़ो, द पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होलली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो डिपेंडेंट है तो फैमिली, वरना फैमिली नहीं। अब देखो क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। इन माय फैमिली माय फादर हैज अ गुड इनकम, ही इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मी। मदर हैज अ गुड इनकम, शी इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मी। तो मेरे माँ बाप को बाहर निकाल दिया। डेफिनेशन वाइज बोथ ऑफ देम आर नॉट माई फैमिली। हाउ आई विल टेल यू, ठीक है। माई मम्मी इज द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ दिस कोचिंग सेंटर LLP, मतलब ये कोचिंग सेंटर का मेजर जो मतलब शेयर है किसका है? मम्मी का ही है। तो वो तो ऐसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, पापा की खुद की बहुत हैवी इनकम है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये दोनों के दोनों मेरे परिवार के डिविजन बाहर चले गए, ब्रदर पे आते हैं। ब्रदर्स नहीं, एक ही ब्रदर है, विकास। अगेन विकास, ही इज इक्वल पार्टनर विद मी इन दिस, और वो इकोनॉमिकली अच्छा था, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका खुद का अच्छा इकोनॉमी चल रहा है। इनफैक्ट मेरे कहने पे कई साल पहले वो जॉब छोड़ के आया था, आई थिंक 2014-15 में भी समवेयर देयर। तो वो खुद इकोनॉमिकली मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो खुद क्या हो गया? नॉट फैमिली। सिस्टर ओन है नहीं, तो यार मेरा तो ये सेकंड लेवल पूरा खा गए ये लोग। 9 लोगों की फैमिली में माँ बाप को हटा दिया, ब्रदर को हटा दिया, ब्रदर ही हट गया तो ब्रदर की वाइफ, ब्रदर का बच्चा, वो भी हट गया। बचा कौन खाली? फर्स्ट लेवल स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अगर हाँ तब 1% हो जाता। मतलब क्या बोलना चाहते हो बताओ? अच्छा ये बोला सब शादी के पहले, शादियों के पहले अगर बात करूं तो हम लोग के घर में 4 लोग थे, मम्मी पापा मैं और विकास, ठीक है। दैट वॉज नॉट अ गुड टाइम, ओके। इधर हाथ है तो बड़ा ही वो लाइफ वैसा, मतलब इधर छोड़ो। तो उस केस में देन ओनली मी, क्योंकि तभी भी पेरेंट्स इंडिपेंडेंट थे और ब्रदर इंडिपेंडेंट था, तब सिर्फ अकेला ही होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे केस में तुम जॉब करने जाओगे तो शादी तो तुरंत थोड़ा कर लोगे ऐसे ही, ठीक है। इतना थोड़ा बलबलाहट है तुम्हारे अंदर। सपोज तुम जॉब करने गए, तुम्हारी उम्र रहेगी 24 के आसपास की, तो तुम तो इंडिविजुअल रहोगे। तो उस केस में ऊपर वाला तो सर है नहीं, नीचे वाले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। वो आज भी तुमको संभाल रहे, तुम उनको नहीं संभाल रहे हो। तो गए तुम, हट गए, तो तुम्हारा उस केस में फैमिली मतलब सिर्फ तुम अकेले रहोगे, ठीक है। फैमिली क्लियर है? ये डेफिनेशन बहुत जगह काम आता है फैमिली का। और यहाँ पे याद रखना, फैमिली याद कर लो प्लीज, फैमिली इन इनकम टैक्स मीन्स 2 लेवल्स। फर्स्ट लेवल में स्पाउस एंड बेबीज, सेकेंड लेवल में पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट। फैमिली का डेफिनेशन तो इनका बड़ा छोटा सा है। एज पर देयर डेफिनेशन माई फैमिली ओनली हैज 4 पीपल, मी, माई वाइफ एंड माई 2 बेबीज। बट इन्होंने जो रिलेटिव का डेफिनेशन दिया है भाई, आग लगा दिया है। बुक के एकदम लास्ट में जाओ, पीछे से ढूंढो 5.17। रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो इनका इतना लंबा चौड़ा है, तुम्हारे खानदान में किसी को छोड़ा नहीं है, फोफा, मौसा, ताऊ, चाचा, ये वो सब इनके रिलेटिव का डेफिनेशन। देखो सेक्शन नंबर क्या, उधर पढ़ो 56, 56 का 2 का 10, इनका डेफिनेशन ये है,
ठीक है, ये डेफिनेशन ऐसे पढ़ने से आप, इनका डेफिनेशन तो सर बस इतना सा है पर ये पढ़ने समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अंदर में इन्होंने हर जगह लिख रखा है लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो वो अल्टीमेटली जब तुम पूरा सॉल्व करोगे ना, मैंने पूरा सॉल्व करके डाल रखा है, ये टीचर्स नोट है, ये जो दिख रहा है ना बड़ा डिब्बा, ये टीचर्स नोट है, रिलेटिव में देखो कौन कौन आएगा। एक बार मैं मेल हूं तो मैं मेल के एंगल से बात कर सकता हूं, ठीक है, मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, सब लिखा है मैंने इंग्लिश हिंदी, साला साली, ताऊ चाचा बुआ, मामा मासी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातिन, ससुर सासू, दादा ससुर, दादी सासू, मतलब माय वाइफ्स ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी ले लिया, ठीक है, भाभी, जीजा, सालयाली, साडू, ताई चाची, फुफा, मामी, मौसा, बहू, दामाद, पोता नाती की पत्नी, पोती नातीन का पति, जस्ट लुक एट दैट, रिलेटिव कितना लंबा, मतलब रिलेटिव में किसी को नहीं छोड़ा और फैमिली में जो है उसको भी निकाल दिया, ठीक है, ये रिलेटिव एडिशन जो है ना एक्चुअली याद सिर्फ इतना करना है तुमको, ठीक है, पर तुम्हारे समझने के लिए, क्योंकि तुमको ये पढ़ के समझ ऐसे आएगा नहीं, तो मैंने पूरा खोल के पूरा लिख दिया है, ठीक है, ये पूरा, तुम मेल हो तो मेल के एंगल से सोच लो, तुम फीमेल हो तो उस तरफ जाके उधर के एंगल से सोच लो, जैसे अगर तुम फीमेल हो तो यू विल से पति, भाई, बहन, नंद, देवर, जेठ, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ओके, तो रिलेटिव बहुत बड़ा है पर फैमिली बहुत छोटा है, और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड सर वो थोड़ा बड़ा है। मैं वापस से आ रहा हूं पेज नंबर 1.22 पे। अच्छा, अब मैं तुम लोग से बात करना चाहता हूं इधर, मेरे केस में जैसे मेरा तो 9 लोगों का परिवार, आई टोल्ड यू, मेरे केसेस में एक बार सॉल्व करते हैं कि मेरे मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड में कौन आएगा, क्या कोई बच रहा है कि कोई सबके सब आ गए, देखते हैं कोई बचेगा। नंबर वन स्पाउस, तो अभी एक हुआ, चिल्ड्रन, आई हैव टू बेबीज, तो वो आएगा, एंड देयर स्पाउस, ऑब्वियसली नो स्पाउस, ठीक है। थर्ड माई पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों आएंगे, इधर तो बोला ना डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, तो पेरेंट्स तो आएंगे पर यहां ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो विकास आउट हो गया, फिर से उन्होंने निकाल दिया विकास को बाहर, ठीक है। अब ब्रदर ही आउट, तो फिर ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स बेबी, वो भी आउट हो गया, सर्वेंट्स आएंगे, डिपेंडेंट्स आएंगे, कमाल की बात है, सर्वेंट्स और डिपेंडेंट्स आ रहे हैं पर ब्रदर सिस्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो इनफैक्ट इनके हिसाब से मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में कितने जन होंगे, 4, 6, 6, मतलब फैमिली में से 9 में से 3 हटा दो, 6, 6 प्लस 4 प्लस 2 जो भी आता है वो होगा मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, क्लियर है। ये अभी मैंने एक ही जगह लिख के दिखा दिया ताकि तुम बाद में कभी भी देखना चाहो तो रेफर कर सको, डन है क्या। दिस वॉज एंटायर परक्विजिट्स का इंट्रोडक्शन, अब तुमको समझ में आ रहा है परक्विजिट क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके परक्विजिट में घुसेंगे और फॉर्मूला बाई फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। पहला परक्विजिट कौन सा चालू हो रहा है हमारे सामने, आर एफ ए, ऊपर लिखो, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सैलरी के हर सम्स में ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये पहला परक्विजिट है, इसको पढ़ाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तुम लोग पलट के देखो, बड़ा है, 6 पेजेस, ठीक है, तो 1.23 से 1.28, 6 पेजेस का है, तो ये बड़ा है, ऑब्वियसली आज मैं जैसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा चालू हो जाएगा, पर आज ये कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीट अपने अगले क्लास में ही होगा, ठीक है। तो ये काफी बड़ा परक्विजिट है पर समझ जाओगे तो आसान है, ओके, एंड ये हर सम्स में रहता है, तो बाकी सब रहे ना रहे ये तो रहेगा, तो ये परफेक्ट याद रहना जरूरी है, ठीक है। मैं याद करा दूंगा, कोई ऐसा लोड नहीं, आराम से हो जाएगा, इसमें अंदर में बहुत सारे सम्स भी है, तुम लोगों को दिख रहा होगा पलटने पे। विल स्टार्ट दिस आफ्टर अ ब्रेक, ओके, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अभी जिस तरीके से हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ेंगे वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है जब लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं, 6 पेज का लंबा ज्ञान है और उसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस भी हैं, तो तुम सब कुछ अगर अटैक करना चाहोगे ना
तो वही दिक्कत है, वो फिर हार्ड लगने लग जाता है। और तुम अगर सबसे मेन मूल बात को पकड़ लोगे तो वो इजी है। तो इसका मेन बात बस एक ही है, एक ही, सर व्हाट इज द फॉर्मूला 15% ऑफ सैलरी, व्हाट इज द फॉर्मूला 15% ऑफ सैलरी, एकदम सिंपल, इतना से याद रख लो। अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉई को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है तो उसकी परक्विजिट वैल्यू आपको निकालनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परक्विजिट वैल्यू, यू विल से सर पीवी इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी। बस इतना याद रख लोगे ना तो ये लॉन्ग टाइम याद रहेगा। और बाकी सारी जो मैं छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ बहुत सारी, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होगा, और कुछ ऐसा है जो भूल भी जाओगे, ठीक है। पर मेन मत भूलना, मेन क्या है, 15% ऑफ सैलरी। कोई भी सैलरी का जो सम्स आता है ना, तो मैं बता देता हूँ, उसमें एचआरए उतना फेमस नहीं है। अलावेंसेज में एक ही था एचआरए, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला इंसान भूलता है। पर परक्विजिट्स में ऐसे बहुत सारे हैं, और एग्जाम के सम्स में ज़्यादा चांसेस परक्विजिट्स का है, अलावेंस का कम है। मतलब जो सैलरी का लंबा सम है उसमें आरएफए आने का चांस ज़्यादा है, एचआरए आने का चांस कम है। और कोई भी स्टूडेंट जो घबराता है एक सैलरी का सम, अभी तो चलो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन आज से सोचो 2 महीने बाद क्या होगा। आज से 2 महीने बाद जब तुम ये चैप्टर से दूर हो चुके हो और फिर तुमको सैलरी का कोई सम करना है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जब डरता है ना, वो इसी से डरता है कि उसको याद नहीं रहता कि यार आरएफए का क्या था, हमको याद नहीं आ रहा, और सम्स में आरएफए है और उसको याद ही नहीं आ रहा कि आरएफए में कैसे निकालना है। तो मेन बात पकड़ो ना, मेन बात क्या है, 15% ऑफ सैलरी, बस। सैलरी का फॉर्मूला BA BC DM, सैलरी का फॉर्मूला BA BC DM, ठीक है, एकदम रिदम है, BA BC DM, बी से बेसिक लिखा हुआ है, पढ़ो, बी से बेसिक, ए से अलाउंसेस, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मतलब आप अलाउंसेस का एग्जेम्पशन माइनस करके फिर लिखना। जैसे आपको सपोज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो उसमें याद है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, वो आप माइनस करो तो टैक्सेबल पोर्शन आएगा, वो लिखो। सपोज मैं तुमको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा हूँ साल का 6,000 रुपया, साल का कितना, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो माइनस कितना होगा, 100 रुपया पर बच्चा पर मंथ, तो 100 रुपया इंटू 12 मंथ्स इंटू 2 बच्चा 2,400 रुपया, तो 6,000 रुपया मैं दिया हूँ, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना है 2,400, बचा कितना 3,600, तो तुम खाली 3,600 लोगे, ठीक है, ओनली द टैक्सेबल पोर्शन। बी ए हो गया, बी सी का फुल फॉर्म बोनस, सी से कमीशन, कमीशन माने ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, यहां पर वो वाला नहीं है जो कल सीखे थे, कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, वो नहीं है। यहां कमीशन मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन। बी ए बी सी हो गया, डीएम, डी से क्या है, D1, डी से यहां मतलब क्या है, D1, क्योंकि अलाउंसेस का तो हमको सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन लेना है ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज मैं बता देना चाहता हूं तुम सबको, प्लीज गौर से सुनना, डीएनएस अलाउंस में जो 2 पार्ट मैंने सिखाया, D1 D2, सर टैक्सेबल तो दोनों ही होता है, डीएनएस अलाउंस में एग्जेम्पशन नहीं है, डीएनएस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस में कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, डीएनएस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, D1 इज टैक्सेबल, D2 इज ऑल्सो टैक्सेबल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि डीएनएस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, तो डीएनएस अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन कितना है सर, फुल D1 plus D2, डीएनएस अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन क्या है सर, फुल D1 plus D2, पर लेना सिर्फ कौन सा है, D1 D2 लेना नहीं है, D2 इज ऑल्सो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द डीएनएस अलाउंस, पर वो लेना नहीं है, लेना क्या है, D1। इसीलिए मैंने डीएनएस अलाउंस को अलग से लिखा, ऊपर अलाउंस के साथ मिक्स नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाले अलाउंस में क्या लिखा है, टैक्सेबल पोर्शन, तो सर टैक्सेबल तो दोनों है D1 D2, पर अपने को लेना सिर्फ कौन सा है, D1, इसीलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या हेलो समझ रहे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, D1 D2 दोनों ही टैक्सेबल है, पर लेना सिर्फ कौन सा है, D1। अच्छा एम से क्या है, मेरे को जानना है, और ऐसा क्या मॉनेटरी पेमेंट होता होगा, आपने अलाउंस ले लिया, आपने बेसिक ले लिया, आपने बोनस भी ले लिया, आपने कमीशन भी ले लिया, ऐसा और कोई मॉनेटरी पेमेंट जानते हो, हाँ रीइंबर्समेंट्स नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोल रखा है सैलरी में आप ये 3 चीज़ें नहीं लोगे, पी पी पी, पी से प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, पी से परक्विजिट, व्हेन आई से परक्विजिट इट मीन्स बोथ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, नहीं लेना है,
परक्विजिट नहीं लेना है तो मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी रीइंबर्समेंट्स भी नहीं लेना है। और तीसरा पी कौन है, प्रीमियम ऑन मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे पीपीपी आपको लेने नहीं है तो मॉनेटरी रीइंबर्समेंट तो नहीं आएगा। तो और कोई मॉनेटरी पेमेंट मैं बता रहा हूँ, ओवर टाइम, ओवर टाइम समझते हो, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफाइड आवर्स होता है जिसके बाद अगर कराया जाए तो ओवर टाइम देना पड़ता है। फैक्ट्री में जो मजदूर वगैरह काम करते हैं ना उनका होता है ये ओवर टाइम, हर धंधे में ओवर टाइम नहीं है। जैसे अब जैसे तुम लोग नौकरी पे जाओगे ना कोई ओवर टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केपीएमजी में जब मैं काम कर रहा था पूरा पूरा लंबा काम कराते थे वो लोग, लिखाते थे केवल कि 8 घंटा 5 दिन मंडे टू फ्राइडे 8 घंटा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, सातों दिन ऑलमोस्ट काम पे जाना पड़ता था, काफ़ी लंबे आवर्स 12, 13 आवर्स, 14 आवर्स जैसे, तो कोई ओवर टाइम नहीं था। तो हम जैसों के लिए कोई ओवर टाइम नहीं है, फैक्ट्री में ओवर टाइम होता है, फैक्ट्री में वर्कर लोग का लेबर यूनियन वगैरह है ना, तो अपना तो ऐसा कोई यूनियन बना के अपने जाते नहीं है, तो ओवर टाइम अपना नहीं होता। तो ओवर टाइम इज़ अ मॉनिटरी पेमेंट, ठीक है। बी ए बी सी डी एम क्लियर है सबको, मैं तुम लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, सिंपल याद रखना, ऑल ऑफ दीज 6 आर मॉनिटरी पेमेंट्स। ये लोग चाहते हैं कि कैसा भी मॉनेटरी पेमेंट्स हो सब ले लो, बी ए बी सी डी एम। ठीक है, बी ए बी सी डी एम फुल फॉर्म बेसिक, फिर दूसरा अलावेंस का टैक्सेबल पोर्शन, बी सी बोनस कमीशन, डी एम डी वन और मॉनिटरी पेमेंट में कोई भी और अन्य मॉनिटरी पेमेंट है तो ले लो, पर तीन चीजें नहीं लेनी है, कौन सी, पीपीपी प्रोविडेंट फंड, परक्विजिट्स एंड प्रीमियम्स, वो सब लेना नहीं है। प्रीमियम खुद एक परक्विजिट होता है तो वो भी नहीं लेना है, ठीक है। हाँ डी वन का मतलब ही होता है डीएनएस अलावेंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और फॉर्मिंग, इसके तीन चार भाषा चलते हैं, लिखा था ना डीवन में, कभी वो लोग बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कभी बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, उसका सबका मतलब एक ही है डीवन, कि दैट पोर्शन ऑफ द डीएनएस अलावेंस विच यू हैव टू टेक इन द कैलकुलेशन ऑफ सर्टन एग्जेम्पशंस, ठीक है। तो वही डीवन, ठीक है, बोलो, नहीं आएगा डी2, डी2 नहीं आएगा, तो अगर D2 आता तो मैं यहाँ D1 लिखता ही क्यों, मैं फिर लिख देता फुल DA, है ना। तो D2 नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, BA BC D1 M, ठीक है। वो एक्चुअली बोलने में राइमिंग में बैठता नहीं है, BD1C तो छोटा सा है तो बैठ जाता है, यहाँ पे अगर मैं D1 लिखूंगा तो राइमिंग में वो बोलने में दिक्कत होगी, तो याद रखना पड़ेगा D मतलब D1, ठीक है। अच्छा याद खाली एक ही मास्टर फॉर्मूला रखना है, कौन सा, 15% ऑफ सैलरी, RFA रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 15% ऑफ सैलरी। अब सैलरी सॉल्व करो, कोई भी सम्स आए तो सबसे पहला काम करना, जब RFA निकालना हो सबसे पहला काम करना सैलरी BA BC DM कैलकुलेट कर लेना रफ में, उससे माथा एकदम शांत हो जाएगा, फिर तुम मेंटल मैथ कर सकते हो। सबसे पहले काम करना क्या करना है, हम लोग को समझ आया तो अलग से एक वर्किंग नोट बना के बी ए बी सी डी एम निकाल लेंगे। अब देखो लंबे सम्स वगैरह में तो क्या है, आज तो क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई विल मेक वर्किंग नोट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। पर एक लंबा सम जब आता है तो उसमें उतना समय नहीं होता कि हम लोग एग्जाम में वर्किंग नोट अलग से बनाए, तब रफ में निकाल लेना बी ए बी सी डी एम इतना है। तो एक बार वो बी ए बी सी डी एम निकल गया ना तुम्हारा सैलरी का, फिर तुम्हारे लिए 15% निकालना बाएं हाथ का खेल है, मारा 15% निकल गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। ये मास्टर फॉर्मूला है। अब मास्टर फॉर्मूला जब हो गया तो अब मैं तुमको फालतू की चीजें सिखाने जा रहा हूं, लेट्स स्टार्ट, लुक एट दिस डायग्राम। क्या नाम लिखा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। दो प्रकार के एम्प्लॉय, लेफ्ट साइड में कौन है, यूजुअल एम्प्लॉय, राइट साइड में कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यू वेरी सिंपल, लाइसेंस फीस, क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में गवर्नमेंट खुद उस घर का एक लाइसेंस फीस कैलकुलेट करेगी, जो भी अमाउंट है वही माना जाएगा और वो दिया हुआ रहेगा सम में, तो यहां मेहनत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हु इज द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो घर देती है उसका एक लाइसेंस फीस बता देती है, तो आप उसी को स्ट्रेट अवे ले लोगे एज
परक्विजिट वैल्यू, कोई मैथ्स कैलकुलेशन कुछ नहीं है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इधर आओ, ये क्या लिखा है, नॉर्मल एम्प्लॉय, हम जैसे लोग नॉर्मल एम्प्लॉय दो प्रकार का हो सकता है। अगर वो जो घर आपको मिला है, कंपनी ने जो घर दिया रहने के लिए, इफ़ द कंपनी इज द ओनर ऑफ द घर, कंपनी का खुद का है, कंपनी खरीद के रखा है प्रॉपर्टी को, ठीक है, तब फॉर्मूला ऐसा है। और अगर कंपनी ने खुद भाड़े पर लिया है, कंपनी ने भाड़े पर पूरी बिल्डिंग ली है और उस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, तो कंपनी ने रेंट पे लिया है, तब फॉर्मूला थोड़ा अलग है। लेफ्ट साइड, इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तब फॉर्मूला क्या होगा, 7.5% ऑफ सैलरी, या फिर 10% ऑफ सैलरी, या फिर 15% ऑफ सैलरी। सर हमको कैसे पता चलेगा कब 7.5% है, कब 10% है, कब 15% है? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एज पर 2001 सेंसस। भारत की पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट है कि चेंज होते रहती है, बढ़ते घटते रहती है? सर घटते मत बोलो, है ना, बढ़ते रहती है, ये तो होना ही चाहिए, ये होगा ही। कोरोना भी आके हम लोग को हिला नहीं पाया, ठीक है, इधर इधर तो पॉपुलेशन तुमको लेटेस्ट वाला नहीं लेना है, हेलो, यू डोंट हैव टू टेक द लेटेस्ट पॉपुलेशन, यू हैव टू टेक द पॉपुलेशन एज पर 2001, 2001 में जो पॉपुलेशन की गणना की थी ना भारत सरकार ने, वो वाला पॉपुलेशन लेना है, ठीक है। अगर जिस शहर में तुमको घर मिला है उस शहर की आबादी 10 लाख के अंदर है, इधर देखो, पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 10 लाख, जिस शहर में तुम रह रहे हो वहां की आबादी 10 लाख के अंदर है, तब हम लोग लेंगे फॉर्मूला 7.5% ऑफ सैलरी। ऐसा क्यों सर? बिकॉज जिन शहरों की आबादी कम होती है वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हल्का होता है, वहां रेंट वगैरह भी कम होते हैं, इसीलिए वहां 15 के बजे सिर्फ 7.5%, ठीक है। अगर जिस शहर में घर मिला है उसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है पर 25 लाख तक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और अगर आबादी 25 लाख से ज्यादा है, मतलब वो मेट्रो सिटी है, महंगा है, तो फॉर्मूला होगा 15% ऑफ सैलरी, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें सम्स में बताया नहीं कि वो बंदे को किस शहर में घर मिला है, उस शहर की आबादी कितनी है, तो हम 15% लेके काम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम दे विल नॉट टेल यू इन द, देखो यार, इंडिया में कोई भी शहर का आबादी 25 लाख से कम एस्टिमेट करना तुम्हारी मूर्खता होगी, समझ रहे हो ना, तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। तो कोई भी शहर अगर वो लोग बोले नहीं या पॉपुलेशन बताए नहीं, तो तुम ऊपर ही मान के चलना, ठीक है, कितना लोगे तुम, 15% ऑफ सैलरी, दैट इज द मास्टर फार्मूला, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम, अब ये पढ़ाने को हम लोग 3 फार्मूला देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऊपर 2 वाला काम आता नहीं है, ठीक है। सम्स में वो लोग ये सब नहीं बताते कि किस शहर में रह रहा है, वहाँ की आबादी कितनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा तुम फॉर्मूला लगा सकते हो 15% ऑफ सैलरी। आर वी ओके विद दिस? अच्छा, मान लो कि वो जो घर कंपनी ने दिया है, कंपनी डज नॉट ओन द घर, बट कंपनी ने खुद वो बिल्डिंग रेंट पे लेके फिर तुमको दिया है, हो सकता है, हो सकता है? इन दैट केस सर द फॉर्मूला विल बी, चेक, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू लोअर ऑफ नंबर 1 15% ऑफ सैलरी, फिर से निकालो 15% ऑफ सैलरी, और हायर चार्जेस, मतलब कंपनी का जो रेंट लग रहा है। देखो कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, इन्होंने हायर ऑफ द 2 फिगर बोला है कि लोअर ऑफ द 2 फिगर, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये वैल्यू जितनी कम निकल के आएगी उतना तुम्हारा फायदा है ना, ये वैल्यू जितनी कम आएगी तुम्हारी सैलरी में कम फिगर जुड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला लोअर ऑफ द 2 फिगर, नॉट हायर ऑफ द 2 फिगर। तो पहले आप 15% सैलरी निकालो, तो दोनों ही जगह, चाहे वहां लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, आपको 15% सैलरी निकालना ही पड़ेगा, निकालो 15% सैलरी। फिर अगर कंपनी ने रेंट पर लेके आपको दिया है, तो कंपनी जो रेंट पे करती है वो ले लो, दोनों में से जो छोटा फिगर है, दैट इज योर आंसर, डन और नॉट, वेरी सिंपल। ये देखो जरा, दोनों ही तरफ ये तो है ही, ठीक है, दोनों ही तरफ वो तो 15% तो है ही, तो अल्टीमेटली 15% तो निकालना पड़ेगा ही। सबसे पहले तुम सम्स देखते ही सैलरी का रफ कैलकुलेशन करोगे बी ए बी सी डी एम, और फिर 15% मारोगे, ये रहा आंसर तुम्हारे हाथों के सामने, क्लियर, डन है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के सम्स बहुत कम आते हैं, वो आते नहीं जल्दी से, बिकॉज उनका ना मैक्सिमम एग्जेम्पशन वगैरह हो जाता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का सम आया तो वो लोग खुद लाइसेंस फीस लिख के देंगे,
तो तुमको याद आ जाएगा ये जो दिया यही आंसर है, बात खत्म, तो कुछ सॉल्व करना नहीं है। अब आपको ना उन्होंने घर के साथ फर्नीचर वगैरह भी दिया है। नाउ फर्नीचर एक सेपरेट परक्विजिट है, टॉपिक नंबर 3-4 में आएगा, पर वो थोड़ा सा यहां पढ़ना जरूरी है, बिकॉज घर और घर के फर्नीचर ये दोनों सम्स में एक साथ ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो आगे पढ़ाऊंगा वो अभी एडवांस में बता रहा हूं, ठीक है। घर में उन्होंने जो आपको फर्नीचर दिया है उसका भी परक्विजिट हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। घर एक अलग परक्विजिट है, घर में जो पूरा इंटीरियर फर्नीचर बनाया हुआ है वो एक अलग परक्विजिट है, तो उसका भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके जोड़ना पड़ेगा। नाउ ये इजी है, क्या लिखा है देखो, प्लस परक्विजिट वैल्यू, प्लस जहां मेरा हाथ है, प्लस परक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सर हाउ मच? वेरी सिंपल रे, वेरी सिंपल। इधर मेरे को देखो, अगर फर्नीचर कंपनी का खरीदा हुआ है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, जैसे तुम्हारे घर में उन्होंने बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल, एयर कंडीशनर लगा रखा है, दुनिया भर का काम है, उन सब का कॉस्ट है 4 लाख रुपया, तो उसका 10% बोलो 40,000, तो 40,000 वैल्यू निकल के आ गया, जोड़ दो साल का 40,000 जोड़ दो। और अगर कंपनी ने फर्नीचर खुद रेंट पर लेके तुमको दिया है तो कंपनी का जो रेंट चार्जेस लग रहा है वही, ठीक है। तो लेफ्ट साइड, इफ द फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर द परक्विजिट वैल्यू इज, ठीक है, 10% कॉस्ट। और उधर इफ द फर्नीचर इज हायर्ड बाई द एम्प्लॉयर, मतलब उन्होंने खुद रेंट पे लेके आपको दिया है, तो जो हायर चार्जेस वही है, ठीक है। ये क्लियर है क्या सर अपना? डन है। ये सब जो खुदरी चीजें होती है ना वो अपने आप हो जाएगा, कभी भी ना तुम खुदरी चीजों का टेंशन मत लो, हमेशा मेन चीज को पकड़ो। मेन चीज को पकड़ोगे ना बॉस, सब सनासन सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज एक ही है, 15% ऑफ सैलरी और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक टीचर्स नोट है, छोटे छोटी बातें जो मैंने तुमको बताता रहता हूँ। पॉपुलेशन कौन सा वाला लेना है? कल को वो लोग मान लो एमसीक्यू में डाल दी कि 2001 का पॉपुलेशन इतना था, 2011 का इतना था, कौन सा लोगे? 2001 वाला, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, 7.5% या 10% या 15%, ठीक है। सेकेंड, तुमसे अगर हम लोग घर का कुछ रेंट वगैरह ले रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा कि नहीं? जैसे घर तुमको दिए पर हम लोग तुमसे घर से घर का बहुत छोटा सा रेंट लेते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। तुम सॉल्व करके निकाल लो वैल्यू उसमें से, फिर माइनस कर दोगे लास्ट में। थर्ड, एचआरए और आरएफए के लिए सैलरी इज टेकन ऑन नॉट ड्यू और रिसेट विच एवर इज अर्लियर ड्यू बेसिस। ये एचआरए में बोला था, घर रिलेटेड जो भी आपको मिल रहा है, चाहे अलाउंस हो चाहे परक्विजिट, वहां पे आप सैलरी ड्यू बेसिस का लोगे। जैसे मान लो इस साल तुमने ना अपने बॉस को बोल के 3 महीने का एडवांस सैलरी ले लिया, तो इस साल तुमको 15 महीने का सैलरी मिला, तो अल्टीमेट सैलरी कंपटीशन तो 15 महीने का होगा, लेकिन जब तुम आरएफए निकालोगे तो उसमें सिर्फ 12 महीने का ही लोगे, एचआरए निकालोगे तो उसमें सिर्फ 12 महीने का ही लोगे। चौथा, ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? तो हो सकता है आप 2 जगह नौकरी कर रहे हो, 3 जगह नौकरी कर रहे हो, पक्का पार्ट टाइम टाइप का होगा, तो दोनों तीनों जगह से जो भी सैलरी मिलता है उसका अलग अलग कंप्यूटेशन होता है कि मिला के एक होता है, एक ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज मैं 2 जगह जॉब कर रहा हूँ, एक जगह फुल टाइम एक जगह पार्ट टाइम, जस्ट एग्जाम्पल है ये, दोनों जगह से सैलरी मिल रही मुझे, पर घर मेरे को फुल टाइम वाला दे रखा है, तो जब मैं घर का परक्विजिट निकालूंगा तो 15% ऑफ टोटल सैलरी होगा कि 15% ऑफ S1 होगा? मन बोल रहा है कि सर जिसने घर दिया उसका वाला लो, घर अगर इस एम्प्लॉयर ने दिया है तो ये जो सैलरी देता है खाली आपको वही लेना चाहिए 15% ऑफ S1, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स वाले बदमाशी कर गए, बोला टोटल सैलरी ऐड करेंगे S1 plus S2, मतलब नौकरी कर रहे हो अगर 2 जगह, S1 सैलरी S2 सैलरी, तो 15% ऑफ S1 plus S2, भले घर केवल एक ने दिया हो पर दोनों का ऐड करके लिया जाएगा, तो थोड़ा सा गलत फील हो रहा है ना, पर यही कानून है। ठीक है, लास्ट, कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानोगे? हमेशा मानना कि आबादी मोर देन 25 लाख है, फॉर्मूला होगा 15%। डन, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अभी ये दो नुनू नुनू सा जो क्वेश्चन है ना, ये हल्का सा, इसमें कोई दम नहीं है, एक झटके गए थे ऐसे बकवास। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या हो रहा है कि इसको 2 जगह से सैलरी मिल रही है, तो
तो आरएफए कैसे निकलेगा, दोनों का जोड़ के निकलेगा। सैलरी फ्रॉम सचिन टेक्सटाइल साल का 1,20,000, सैलरी फ्रॉम कार्तिक टेक्सटाइल साल का 1,80,000, जोड़ के कितना 3,00,000। और सम्स में और कुछ है ही नहीं, बेसिक ही दिया हुआ है, तो मेरे लिए सैलरी मतलब सिर्फ बेसिक ही है। तो 3,00,000 रुपये का 15% निकाल दो, दैट्स दी आंसर। सचिन ने आपको रेंट फ्री घर दिया रहने के लिए, आपको परक्विजिट वैल्यू बताना है। तो जब आपको दो तीन जगह एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, घर भले ही एक दिया हो पर सैलरी सबका जोड़ के लेते हैं, तो सैलरी कितना आएगा, 3,00,000, 3,00,000 का 15%। ऊपर लिखो क्वेश्चन 8। ठीक है, इजी था ये। देखो था घर वाले अलावेंस परक्विजिट के लिए सैलरी हम लोग पूरा ड्यू और रिसिट लेते हैं कि सिर्फ ड्यू बेसिस। सचिन टेक्सटाइल इज द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को तनख्वाह कितनी मिलती है, 10,000 रुपया पर महीना। ठीक है, सचिन को इस साल 15 महीने की सैलरी मिली एडवांस सैलरी लेकर। सचिन टेक्सटाइल्स, सचिन तो कंपनी का नाम है, सॉरी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को 15 महीने की सैलरी मिली है, एम्प्लॉयर ने रहने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, कैलकुलेट द परक्विजिट वैल्यू। तो तुम 15% ऑफ सैलरी फॉर 12 मंथ्स लोगे कि 15 मंथ्स लोगे, 12 मंथ्स। ठीक है सर। अच्छा, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, देर आर 3 स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। टर्न, ये फॉर्मेट है तुम लोग के लिए, जस्ट इसे बेटर समझ में आएगा। एक मास्टर फॉर्मेट, क्या है ये, एक मास्टर फॉर्मेट है आरएफए कैलकुलेट करने के लिए। मान लेते हैं कि हमारी कंपनी ने रेंट पर बिल्डिंग लिया है और हमको रहने के लिए दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर। तो दोनों चीजें लिखो, 15% सैलरी और रेंट पेड बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर। अब उन्होंने अंदर हमको फर्नीचर भी दिया है, तो फर्नीचर में अगर खरीदा हुआ फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर्ड फर्नीचर है तो उसका हायर चार्जेस जोड़ दो, एड 10% ऑफ फर्नीचर जो खरीदा हुआ है, एड हायर चार्जेस जो कंपनी ने हायर पर लेके आपको दिया है, आ गया परक्विजिट वैल्यू। अब कंपनी अगर आपसे कुछ पैसा चार्ज कर रही है तो वो माइनस कर दो, लेस एनी रेंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉई। तुमसे अगर रीइंबर्समेंट ले रही है थोड़ा बहुत कंसेशन रेंट, तो माइनस कर दो, फिर निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर नेट परक्विजिट वैल्यू। तो ये समझने के लिए एक मास्टर फॉर्मेट है, क्लियर है ये, डन है। तो पहले घर का वैल्यू निकलेगा, घर का वैल्यू क्या, लोअर ऑफ द टू, फिर फर्नीचर वगैरह का ऐड करेंगे, कर दिया, फिर अगर आपसे कुछ ले रही है कंपनी तो माइनस करेंगे, तो निकल के क्या आएगा, नेट परक्विजिट वैल्यू। ये इतना याद नहीं करना पड़ता, ये नेचुरल निकलता है अंदर से यार। हेलो, मेरी बात को समझो, कई स्टूडेंट क्या होता है शुरू में जब ऐसा देखते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं, अरे मेरे को याद कैसे रहेगा इतना, उनको हमेशा अपने ऊपर डाउट रहता है, खुद के ऊपर डाउट, इट इज नोन एज सेल्फ डाउट। हम सब में होता है ये बीमारी, ये एक बीमारी है, बहुत गंदा बीमारी है, जो हमारे सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा है, सेल्फ डाउट। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, खुद ही पे शक है, दुनिया तो क्या गाली देगी, तुम अपने आप को गाली दे रहे हो, तुमको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, हमें ये सब चीज़ें खाली एक बार बोलने के लिए बतानी पड़ती है, बात बाकी हम लोगों को ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक सवाल पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो क्वेश्चन में जब डेटा दिया हुआ रहेगा तो मेरा माथा अपने आप बोलेगा ना, भाई ये यहाँ ऐड करो, ये यहाँ माइनस करो, दिमाग खुद बोलेगा कि इसका क्या करना है क्या करना है। तुम अपने आप डेटा देख के तो पकड़ लोगे ना कि ये करना है वो करना है वो करना है, उसके लिए क्या फॉर्मेट देखने की ज़रूरत है, नहीं। तो बस एक बार शुरू में बताना पड़ता है, ठीक है। डोंट हैव दोज
पेटी सेल्फ डाउट्स अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू गिव सर्टेन क्रेडिट टू योर ब्रेन पावर ऑल्सो। तुम इतने साल से पढ़ाई करके आ रहे हो, तुम अपना नतीजा वगैरह सब जानते हो, ठीक है, तो तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, ऐसा नहीं कि तुमको बहुत दिक्कत होगी, आराम से होगा ये। टीचर्स नोट, जैसा कि मैं बता रहा था कि कोई भी सम्स आए तो पहले बी ए बी सी डी एम सॉल्व करके निकाल लेना, उससे क्या है ना तुम फटाफट मेंटली कर सकते हो। सम्स को जितना तुम रफ में सोच सको या रफ में कर सको उतना अच्छा है। फेयर प्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सम सही होना बड़ी बात है। तुम बहुत सुंदर लिखते हो पर घटिया कंटेंट है तुम्हारा तो नंबर थोड़ा आ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द सम्स इज नेवर द प्रॉब्लम, द ऑलवेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज योर फाइनल आंसर। एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, बहुत सारी गलत फहमी चल रही है लोगों में स्टेप मार्किंग को लेके। यू नो स्टेप मार्किंग, 10 मार्क का एक सम आया तो आपसे कुछ गलतियां हो गई तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका फाइनल आंसर गड़बड़ हो गया ना आपका अच्छा खासा मार्क्स कटेगा। जैसे 10 मार्क का समय मैंने सब कुछ सही किया बस मेरा लास्ट फाइनल आंसर गलत आ गया, तो तुम सोच रहे हो कि सर कोई बात नहीं 10 में से 8 तो मिल ही जाएगा, 10 में से 4 मिलेगा। क्योंकि वो बंदा जो पेपर चेक करेगा सबसे पहले उसकी नजर शुरू में नहीं लास्ट में जाएगी कि फाइनल आंसर ही लड़का कितना निकाल के दिया है, और फाइनल आंसर जैसे ही वो गलत देखा बस उसका सनक गया कि यार ये तो जगह जगह पता नहीं गलती कर रखा है। अब वो काटना चालू करेगा, अब उसका एटीट्यूड मार्क्स देने का नहीं है, अब उसका एटीट्यूड काटने का है कि कहां कहां काटू इसका, तो वो ढूंढ ढांड के 3-4 जगह काट देगा, हो गया 10 में से 4। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव द फाइनल आंसर करेक्ट। फाइनल आंसर अगर आपका करेक्ट निकला है ना, अब आपने ऊपर में एक दो जगह छोटी मोटी गलती अभी की तो बोलेगा हाँ ठीक है वो छोड़ दो, फाइनल तो सही निकला है ना 10 में 10। तो ये बात कोई बताता नहीं है, लोग गलत सिखाते हैं, लोग गलत बोलते हैं कि स्टेप सही होना चाहिए, फाइनल आंसर गया भाड़ में। फाइनल आंसर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप गया भाड़ में। अब एक बात समझो, तुम्हारा फाइनल आंसर गलत आया सैलरी का, ठीक है, तुमने बड़ा सुंदर सा वर्किंग नोट बनाया बी ए बी सी डी एम, अचार डालेगा उसका वो वर्किंग नोट का अचार डालेगा क्या वो, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर ही गलत है तो? वर्किंग नोट सपोर्ट्स द मेन कंपटीशन, इफ मेन कंपटीशन इज रॉन्ग आई डोंट केयर अबाउट योर वर्किंग नोट, हाउ ब्यूटीफुली यू हैव ड्रॉन इट, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे पर उस पर अपनी जान मत लगाओ, जान कहाँ लगाओ मेन आंसर में। और मेन आंसर पे जान लगाने का मतलब क्या होता है कि जब हम एक सम्स को पढ़ते हैं तो सम्स के सारे डेटा को पकड़ के हम रफ में ही सॉल्व कर लेते हैं कि ये आंसर होने वाला है। वो हो गया ना तुमसे अगर कि तुम सम पढ़ के एकदम रफ में सॉल्व कर रहे हो तब तुमसे कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगा, हमेशा तुम्हारा फाइनल आंसर सही आएगा, तुम्हारे नंबर ऊपर की तरफ जाएंगे। पॉइंट, सम्स को क्वेश्चन लेवल पे ही सॉल्व कर डालो, सम्स को क्वेश्चन पढ़ रहे उसी वक्त सॉल्व कर डालो, यू डोंट हैव टू लाइक गेट इनटू द आंसर, उसके पहले वहीं पे रफ में सॉल्व कर लो, बेस्ट रहेगा। लेट्स डू इट, आई विल शो इट टू यू। अभी देखो एक क्वेश्चन 10 है मेरे आंखों के सामने, ये क्वेश्चन 10 ना एक नहीं 4 सम्स के बराबर है क्योंकि इसमें 4 पार्ट है और चारों पार्ट में अलग 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 सवाल पूछा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की किताब का सम सही है, मतलब ICMAT का सम सही है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन जो है ना नहीं जाने की जरूरत है, ऊपर यहीं पे प्रॉपर सॉल्व कर देंगे हम लोग, देखो ठीक है। किस चीज का सम्स है सर ये? RFA। RFA के सम्स में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? BA BC DM। लेट्स डू इट सर, लेट्स रीड, और रीड करते हैं। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन ABC लिमिटेड, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन। यार मुंबई की आबादी के बारे में डाउट है क्या? 25 लाख से नीचे ऊपर, इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है तो 15% आराम से मार सकते हो। वैसे मुंबई नहीं बोलते तो भी मैं 15% लेता ही, ठीक है, 15% ऑफ सैलरी। एक बात सुनो मेरी, अगर तुमने घर सिर्फ 5 महीने के लिए लिया है तो हम तुम्हारी सैलरी 12 मंथ्स का लेंगे कि 5 मंथ्स का, याद रखना है बात। ही गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स, आपका बेसिक कितना है? DNS अलाउंस कितना लिखा है? ब्रैकेट में क्या लिखा है सर? कैन आई राइट? बेसिक कितना है? 6000 पर मंथ। DNS अलाउंस ऐसे तो 2000 रुपया पर मंथ है लेकिन उसमें 30% ही D1 है तो 2000 का 30% कितना होता है? 600 रुपया। 600 रुपया पर मंथ क्या है? D1 निकाल लिया आपने। तीसरा क्या लिखा है सर?
बी ए बी सी दो बार बी आता है, एक बार बी से बोनस, एक बार बी से बेसिक, तो बोनस भी ऐड होगा। बस यही है सर, और कोई समझ में है ही नहीं। तो बी ए बी सी डी एम में तीन ही फिगर है, तीनों को जोड़ दें सर। बोनस देखो पर है ना, मैं कि पर मंथ है, यहां सारे फिगर्स पर मंथ है ना। नॉर्मली बोनस पर मंथ नहीं होता है, पर एनम होता है, पर इस सम्स में पर मंथ बोला है तो हम इंटू 12 करेंगे। तो ये सैलरी हमने जोड़ दिया, ठीक है। वेट, अभी सॉल्व मत करो, अभी सॉल्व मत करो, तुमको पता चल गया तुम्हारी सैलरी में पर मंथ क्या क्या आने वाला है। ये आने वाला है, ये ऐड होके आएगा, है ना। नाउ इंटू आई हैव टू डू नंबर ऑफ मंथ्स, एंड मैं तुमको पहले से बता रहा हूं इस सम्स में इस बंदे ने सिर्फ पांच ही महीने के लिए घर लिया है। कंपनी दे रही होगी 12 महीना, पर इसने कितना लिया है? 5 महीने का। तो सैलरी 5 महीने का ही आएगा ना। ठीक है, तो इसकी 5 महीने की तनख्वाह कितनी है? 40,500, और 5 महीने के लिए इसने घर लिया है। तो परक्विजिट वैल्यू कितना है? 15% ऑफ दिस, दबाओ कैलकुलेटर, 40,500 का 15%, 6,075, ठीक है। तो वो आ गया आपका परक्विजिट वैल्यू एक झटके में, है कि नहीं। अब पहलो पढ़ो पहला पॉइंट। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/22, ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1st November। तो भाई उसने तो चाबी कब ली? 1st November। मैं यही मान रहा हूं कि वो घर जब यूज करेगा तब चाबी लेगा, क्योंकि चाबी ले लिए तो ऑब्वियसली यूज करना चालू वो फिर वैसा। तो ही टुक द कीज ऑन 1st November। तो नवंबर में लिया तो कितना महीना हुआ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। तो 5 महीने की तनख्वाह कितनी? 40,500, उसका 15% निकाल लिया तुमने, 6,075 रुपया। बोला बताओ परक्विजिट वैल्यू कितना है? हो गया कि नहीं? जाना पड़ा नीचे यार, नीचे एक बात समझो, अगर तुम मोहताज रहोगे कि हम नीचे अलग से सॉल्व करेंगे तो इसके दो नुकसान हैं। नंबर वन, तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा, रीड करने पे पहले समय वेस्ट किया कि देखे तो सम्स कैसा है, फिर नीचे जाके जब सॉल्व करोगे तो वापस से सम पढ़ के फिर सॉल्व करोगे तो दो बार पढ़ोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया पढ़ते वक्त ही सॉल्व कर लेते तो टाइम बचता, एक नंबर बात। दो नंबर बात, जब तुम पढ़ते वक्त ही सम्स करने लग जाते हो ना, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। लिखने के पहले यू नो द आंसर, देन ऑटोमेटिकली योर प्रेजेंटेशन विल बी नाइस और नॉट। थिंक अबाउट इट, अगर लिखने के पहले मेरे को आंसर पता है तो अब तो मैं फटाफट लिख दूंगा ना, जचा के एकदम खड़ा कर। तो दो फर्क पड़ता है, एक तो आपका टाइम बचता है, ऊपर से आपका प्रेजेंटेशन निखर के सामने आता है। दैट इज वाई मैं बोलता हूँ करते वक्त ही सम सॉल्व कर लो। अब जब अपने ये पढ़ चुके होंगे, एक दिन तो आएगा जब अपना बैच खत्म होगा, मैं तुमको पढ़ा के अलविदा बोल दूंगा। उस दिन सोचो जब तुम घर में रिवीजन करने बैठे, तुम इस सम्स में आए, तुम सम्स में पढ़ते वक्त ही देखोगे सब कुछ सॉल्व किया वहीं पे, तुमको नीचे सॉल्यूशन ताकना पड़ेगा क्या? तुम्हारा कितना टाइम बचेगा रिवीजन में? जस्ट इमेजिन रिवीजन में कितना टाइम बचेगा। मैं जब एग्जाम्स देता था ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते थे जो मेरे साथ में, और तुम्हारे को भी पता चलेगा, सब ये बोलते थे कि एग्जाम के पहले सम्स तो रिवाइज करके जा ही नहीं सकते। जैसे मान लो कि कॉस्ट का एग्जाम है, तो स्टूडेंट बोलेगा अरे इतना सारा सम्स टीचर करा है वो तो हम रिवाइज करके जा ही नहीं पाएंगे, हमको तो खाली कॉस्ट में जो जो फॉर्मूला है वो याद करके जाएंगे। बेवकूफ़ है वो, फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता, जो होता है उसका एप्लीकेशन होता है कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मैं सारे के सारे सम्स रिवाइज करके जाता था एग्जाम में, सारे सम्स, कैसे? ऐसे, क्योंकि मेरे सारे सम्स के बगल में पूरा सॉल्यूशन बनाया हुआ रहता था।
तो मैं पूरा का पूरा, मेरे को तो नीचे तो पढ़ना ही नहीं पड़ा ना, मैं तो यहीं इसी लेवल पे सम सॉल्व कर लिया पूरा क्लूज के साथ ही, ठीक है। तो दिस हेल्प्ड मी इन रिवाइजिंग एवरी सम वेरी फास्ट बिफोर एग्जाम। 5-5 मिनट में एक से एक सम मैं रिवाइज किया हूँ। और जो ये सब तो टुल्लू मुल्लू सम है, इसको तो मेरे को 3 मिनट लगे मुश्किल से, जो लंबे सम नहीं होते क्या अकाउंट्स कॉस्ट में, 5 मिनट में रिविजन होता है पूरा, सॉल्यूशन वहीं बनाया हुआ पूरा, फटाफट हो रहा है सारा, और सारे सम्स में रिवाइज करके जा रहा हूँ एग्जाम में। अब तुम सोचो सारा सम्स कोई स्टूडेंट अगर रिवाइज करने घुस जाए एग्जाम में, तो भाई एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा फाड़ देंगे, क्योंकि सारा सम तुम रिविजन करके आए, डेढ़ दिन से वही चल रहा है मेरे खोपड़ी में, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो सारा सम्स हो जाएगा, तो नंबर तो अपने आप अच्छे आएंगे। तो प्रैक्टिकल वाले जो पेपर्स होते हैं ना, इसीलिए उसमें बड़े नंबर लाना बहुत आसान होता है, 90, 95, 85 लाना बहुत आसान होता है, थ्योरी में ऐसा नंबर नहीं आता, थ्योरी में बहुत मुश्किल है। तुम सुनोगे अकाउंट्स में 100, कॉस्ट में 100, तुम रेयरली कभी सुनोगे लॉ में 100, ऑडिट में 100, ESM में 100, रेयरली कभी सुनोगे, टैक्स में भी 100 सुनने को नहीं मिलेगा, 90s में जाके कहीं ना कहीं तो काट ही देगा, 100 मुश्किल है, बिकॉज कुछ कुछ इसमें थ्योरेटिकल भी लिखने पड़ते हैं, अकेडमी में पॉइंट। तो सम्स में तुम अगर अपना स्ट्रेंथ बनाए कि इसको देखते मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, तुम देखना बहुत फायदा होगा तुमको, ठीक है। या आज मैं बोल दिया, अब ये ज्ञान बार बार नहीं दूंगा, अब बार बार इसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। नंबर टू, अच्छा एक बार वेरीफाई कर लो नीचे नंबर वन का आंसर क्या है, ये देख लो, था आ गया ना 6075, सही है, मतलब तुम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं लाइफ में। नंबर टू सर, यूजिंग द डेटा, नंबर टू एकदम दो कौड़ी का है, ठीक है, पहले से बोल रहा हूँ दो कौड़ी का है। यूजिंग द डेटा गिवन इन द सम्स, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1000 रुपया टू द कंपनी, मतलब कंपनी इससे 1000 रुपया लेती है, तो कंपनी इससे 1000 रुपया ली है, तो माइनस करेंगे कि नहीं, कंपनी इससे कितना ले रही है पर मंथ, कितना महीना यूज किया है, तो कितना लिए इससे 5000 रुपया, आपने परक्विजिट वैल्यू भी कितना निकाला था, इसमें से 5000 तो कंपनी वसूल कर लिया तुमसे, हार्ड था क्या, पलट के देखो, अच्छा पलट के देखो, नहीं लिखना पड़ेगा, सही है सर, ठीक है। 3 नंबर, अब 3 नंबर में क्या होने जा रहा है, सुनो सुनो 3 नंबर में क्या होने वाला है 3 नंबर में ये लोग बोलेंगे कि कंपनी ने खुद वो बिल्डिंग रेंट पे लेके आपको दिया है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15% सैलरी और द रेंट पेड बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर, वेट 15% ऑफ सैलरी तुमने कितना निकाला है, 6075, मेरे बोलने से नंबर्स आ रहे हैं ना माइंड में, 15% तुमने निकाल लिया 6075, कंपनी ने रेंट कितना दिया 1200 पर मंथ, कितना दिया है 1200 पर मंथ, तो 5 महीने का बोलो इंटू 5, 6000 रुपया, 6000 रुपया, 1200 रुपया पर मंथ इंटू 5 महीना, 6000 रुपया, तो वैल्यू कितना होगा परक्विजिट वैल्यू, लोअर ऑफ द टू 6075 या फिर 6000, लोअर क्या है 6000, तो परक्विजिट वैल्यू कितना है 6000, और तुमसे वसूल कितना कर रहे हैं 1000 रुपया पर मंथ, यानी कि 5000, तो 6000 वैल्यू आया और 5000 तुमसे वसूल कर लिया, तो परक्विजिट वैल्यू कितना है 1000, पढ़ो 3 नंबर, कंप्यूट द वैल्यू इफ कंपनी ने खुद वो रेंट पे लिया 1200 पर मंथ का और तुमसे वसूल कितना कर रहा है 1000 रुपया पर मंथ, ठीक है। सबसे पहले आप परक्विजिट निकालोगे, परक्विजिट कितना होगा लोअर ऑफ, नंबर वन 15% सैलरी जो आएगा 6075,
फिर द रेंट पेड बाय द कंपनी जो आएगा 6,000, इन दोनों में से लोअर गया 6,000। अब 6,000 में से तुमसे जो रिकवर किया माइनस करो 5,000, बचा कितना 1,000, डन है कि नहीं? चलो इजी था। चार नंबर सर, चार नंबर इज अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, चार नंबर का ऊपर से कनेक्शन नहीं है, चार नंबर एकदम अलग क्वेश्चन है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, किसका है ये? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में परक्विजिट वैल्यू क्या होता है? लाइसेंस फीस। आओ पढ़ते हैं। यूजिंग द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। द लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज 700 पर मंथ। अच्छा, ये एकदम अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे 1,000 रुपया रिकवर नहीं कर रहे तुमसे, ठीक है? यहाँ पे ये एकदम अलग क्वेश्चन है, यहाँ तुमसे 1,000 रुपया नहीं ले रहे, एकदम अलग है। तो बस लाइसेंस फीस दिया है, कितना? 700 पर मंथ। तो परक्विजिट वैल्यू कितना होगा? 700 पर मंथ इंटू 5 महीना, 3,500 रुपया। ठीक है, डन है सर, क्लियर है? तो अभी आरएफए का एक आइडिया हो गया, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? नेक्स्ट डे मैं आते ही ना आरएफए का हल्का रिवीजन कराऊंगा और फिर हम लोग सम्स नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में मूव कर जाएंगे। थैंक यू।